हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सत्यमेव जयते टू सत्यमेव जयते टू फिल्म के रिगार्डिंग में सब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा इसके अलावा कौन से सैटेलाइट चैनल पे देखने को मिलेगा उसके ऊपर एक प्रॉपर डिटेलिंग देने वाला हूं। साथ ही में टू फिल्म किस तरह से बनाई गई थी उसका प्री प्रोडक्शन फिल्मिंग पोस्ट प्रोडक्शन उन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे स्टोरी के ऊपर एक डीप में एनालिसिस करने वाले साथ ही में फिल्म के सभी एस्पेक्ट जैसे कि म्यूजिक टेक्निकल डिपार्टमेंट इन सभी चीजों के ऊपर हम डीप में चर्चा करने वाले और फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है उसी के साथ फिल्म का जड़ कितना था उसने बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम का ग्रोस कलेक्शन कितना किया हुआ था इन सभी एस्पेक्ट के ऊपर हम बात करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहे तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं सत्यमेव जयते 2 जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें मिलाप जवेरी ने की हुई है स्टोरी आइडिया भी उनका था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार मोनिशा अडवाणी मधु भोजवानी और निखिल अडवानी टोटल पाँच प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पंचानवे करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म को पंचानवे करोड़ का बजट लगाया हुआ है अब हम बात कर लेते फिल्म की कास्ट के ऊपर जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या घोसला कुमार इनके अलावा हर्ष छाया अनूप सोनी गौतमी कपूर साहिल वैद्य जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ऋतुराज सिंह राजेंद्र गुप्ता भाग्यश्री लिमाए साध राधवा दयाशंकर पांडे सलीम शाह जहास मानक और नोहर नोराफी का एक स्पेशल अपीनस देखने को मिलेगा इसके अलावा शुभ शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई माहिर जवेरी ने जिन्होंने फिल्म को करीबन दो घंटे और अट्ठारह मिनट यानी कि एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आरको रोचक कोहली तनिष बागची पायल देव और जयस मानक इन सभी सिंगर्स ने इन सभी कंपोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है जहाँ पे टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का वो भी सुनने को मिलेगा तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने तो टी सीरीज लेबल के नीचे सभी गाने सुनने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊँगा अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते है टू फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ जोहन अब्राहम जिस तरह मैंने कहा तीन रोल प्ले करे एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद तीसरा है ए जय बलराम आज़ाद आई दिव्या घोसला कुमार आपको एमएलए विद्या मौर्य आज़ाद के रोल में दिखाई देंगी जो सत्या की वाइफ है हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है जो विद्या के फादर है अनुप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है साहिल वेद्य ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री लिमाए को डॉक्टर का रोल दिया गया था साध रंधावा ने सरदाना का सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था सलीम शाह को फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ फिल्म उसमें नोरा फतेह भी आपको कुसु नाम का एक आइटम नंबर देखने को मिलेगा उसमें उन्होंने स्पेशल अपीर देखने को दिया है इसके अलावा शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना यंग जय और सत्या वाला रोल प्ले करेंगे फिल्म की कहानी काफ़ी सिंपल है इस फिल्म में करप्शन के अगेंस्ट फाइट दिखाई गई है जहाँ पे टोटल तीन किरदार जिस तरह मैंने कहा कि एक्टिविस्ट दादा बलराम आज़ाद जो एक एक्टिविस्ट थे और उनके दो बेटे थे मिनिस्टर सत्यम बलराम आज़ाद और जय बलराम आज़ाद आई तो ये दोनों तीनों रोल अब्राहम ने किए हुए फादर और दो सन के तीनों एक सरी के फेस में देखने को मिलेंगे आपको दोनों भाई ट्वीन है इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि एक ए है होम मिनिस्टर है दूसरा एक दूसरा एक आई और ए आपको दिखाया गया है इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीजों को दिखाया हुआ है जहां पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते हैं होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आजाद और अब इसमें ए सी पी जय बलराम आजाद कई किस तरह से फीचर करते हैं जॉन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्शन है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आजाद के रोल में वहां से क्या ऐसी चीजें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएं घट रही है तो अब आगे फिल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे ए सी पी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज चली आ रही है मर्डर्स की तो उसके इन्वेस्टि, इन्वेस्टिगेशन के लिए उस सी में अपॉइंट किए गए वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है एक दूसरे के सामने किस तरह से आते और इसके अंत में क्या होने वाला है फिल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ठीक ठाक है डिसेंट है जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज नजर आएगा राइटिंग में उतना दम नहीं था डायलॉग्स ठीक ठाक लिखे हुए थे उतने कुछ बढ़िया नहीं थे पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है ये फिल्म एक हिट फिल्म थी 2018 की सत्य में वजह थे उसका सिक्वल है लेकिन वो फिल्म भी ओके ओके थी लेकिन इससे बेटर थी वो फिल्म तो वर्क कर गई थी लेकिन इस फिल्म का वर्क ना करना यही फिल्म के डायरेक्टर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी जो अलग अलग सीनारियों है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि सवा दो घंटे का रन टाइम था फिल्म का तो वो डिसेंट था जहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी चीज़ तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था लेकिन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स डायरेक्शन वहीं पर कोई अतापता नहीं था कुछ जगह पर लॉजिक की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही थी इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं करता है, फिल्म में की फीलिंग भी नहीं आती और साथ साथ ही में फिल्म जिस जिस तरह तरह से से हमें अटैच होनी चाहिए चाहिए हम उस कैरेक्टर के कनेक्ट होने वो नहीं हो पाते इसके अलावा फिल्म का जो ओवर टॉप एक्शन है वो उतना कन्विंसिंग नजर नहीं आता मैं नहीं बोल रहा हूं कि ओवर दी टॉप एक्शन फिल्में कभी अच्छी नहीं होती लेकिन ओवर दी टॉप एक्शन फिल्में अच्छी होती है लेकिन वो कन्विंस कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है तो वो वो सभी चीज़ें इस फिल्म में नहीं नजर आ रही अदरवाइज बाकी तो फिल्म ओके okay, ओके okay, नजर आ रही है बाकी कैमरा वर्क अच्छा था आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया होता म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था सॉन्ग डिसेंट थे जहाँ पे टोटल आपको पाँच छः सॉन्ग सुनने को मिलेंगे और इस फिल्म के हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी इस वजह से फिल्म के हर एक फ्रेम आपको रिच नजर आएगी इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल पाँच गाने मेन सुनने को मिलेंगे एक रिप्राइज वर्जन है पहला गाना है मेरी जिंदगी है तू दूसरा गाना है तेनू लेंगा तीसरा गाना है कुसुकुसु चौथा गाना है जन मन मना पाँचवा गाना है माँ सेरा वाली छठा गाना है जन मन मना रिप्राइज वर्जन तो ये टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज किया हुआ है इसके अलावा लिरिशिज भी आपको ज़्यादातर इस फिल्म में अलग अलग देखने को मिलने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रैक को दो हज़ार बीस में रिकॉर्ड किया गया था और प्रॉपर साउंड ट्रैक को तेईस नवंबर दो को टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था तो ये फिल्म के गाने सभी आपको अभी टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पे फिल्म में एक गाना लहंगा वाला है जस मानक का उसको रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा नुसरत फतेह अली खान का जो गाना था उसको सेम नाम के साथ मेरी जिंदगी तू के नाम से ही रिक्रिएट किया गया था तो इस तरह से दो तीन गाने इसमें रीमेक भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म की प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सत्यमेव जयते टू के नाम से बीस 20 अक्टूबर दो को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी इसके अलावा फिल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था फुल फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी जहां पे फिल्म की लास्ट शूटिंग जो आ, लोकेशन थी वो थी मुंबई तो मुंबई में पूरी तरह से पेचवर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहां पे करवा दिया गया था उसके बाद फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था जहाँ पे डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई थी वैसे तो ये फिल्म काफ़ी पहले आने वाली थी लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे कुछ जगह पर थिएटर बंद थे तो कुछ जगह पर फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी इसके अलावा ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फिल्म देखे क्योंकि कोविड नाइन्टीन का माहौल ही कुछ ऐसा था उस वजह से अप्रैल दो में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये हम अभी रिलीज नहीं करेंगे तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि यह फिल्म आपको डायरेक्ट 25 नवंबर 2021 को थिएटर में देखने को मिलेगी उसके बाद फिल्म को 25 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज़ किया गया जहां पे फिल्म का बजट करीबन पंचानवे करोड़ था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था जहाँ पे फिल्म को दो घंटे और अट्ठारह मिनट का रन टाइम दिया गया था और इस एक्शन ड्रामा फिल्म के जोनर को आई पे पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन पंद्रह हज़ार वोट किए गए थे तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी इसके अलावा इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी पहले दिन पर कुछ दो तीन करोड़ का कलेक्शन किया था इस तरह से धीरे धीरे फिल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी क्रिटिक्स की तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली हुई थी इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस के ऊपर इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर इस फिल्म की कहानी स्क्रीन प्ले के ऊपर तो इन सभी चीजों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पसंद नहीं आई थी फिल्म तो जिस वजह से यह फिल्म उतना कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था पंचानवे करोड़ का बजट यानी काफी हाई बजट होता है तो उसके सामने फिल्म ने पहले दिन पर तीन करोड़ बाईस लाख का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो ये काफी ज्यादा कम था इसके अलावा दूसरे दिन पर फिल्म ने काफी ज्यादा ड्रॉप लिया और एक करोड़ बनबानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद तीसरे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ बारह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो नौ करोड़ छिहत्तर लाख का आ, मार्क किया हुआ था तो जो काफ़ी ज़्यादा कम था बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने टोटल ग्रोस कलेक्शन पंद्रह करोड़ उन्सी लाख का किया हुआ था इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था और ओवरसीज में डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के सत्रह करोड़ उन्तीस लाख का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया हुआ था सोलह दिसंबर दो हजार इक्कीस तक तो इस तरह से करीबन एक महीने के रन टाइम में फिल्म ने सत्रह करोड़ और उन्तीस लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जहां पे फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था तो पंचानवे करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है ना कि शेयर कलेक्शन तो ये फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा लॉस सहा हुआ है हालांकि फ़िल्म के म्यूज़िक राइट्स बेचकर इसके अलावा फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था लेकिन थिएटर के ऊपर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के प्रति उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली फेलर साबित हुई थी और पिछले कुछ समय में जोन अब्राह्म की लगातार काफी सारी फिल्में फेल होती हुई आ रही है जहां पे जोन अब्राह्म की फिलहाल में रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि अटैक वो भी एक फ्लॉप फिल्म की तरफ बढ़ रही है उस फिल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ ख़ास नहीं आ रहे तीन दिनों में सिर्फ बारह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन क्या हुआ है उस फिल्म का बजट भी पचपन करोड़ के आसपास का था तो काफ़ी हाई बजट के सामने ये फिल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रॉस कलेक्शन के सामने उसके पहले ये सत्य में वजय थे मुंबई सागा पागलपंती सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी तो अब देखने वाली बात हो गई कि जोन अब्रम अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से कहते उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह सेट करते वो इस, उन सभी चीज़ों के ऊपर बात उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है पंचानवे करोड़ के बजट के सामने बीस करोड़ का भी ग्रोथ कलेक्शन नहीं हुआ है अब हम बात कर ले कि इस फिल्म को आप कहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो तो इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली टेलीविजन पे सोनी मैक्स के चैनल वो सत्यमेव जयते टू के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा अभी तक फिलहाल में कोई दूसरे चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा सोनी की दूसरे चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है अदरवाइज सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्य में 2 टू के नाम से ये फिल्म देखने को मिलेगी अब हम बात करें ओ के बात की तो ओ के राइट्स खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को अच्छी खासी राइट्स में बेचा अच्छे खासी प्राइस में बेचा गया था तो अब आपको ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी तो इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है तो आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है तो आप ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे इसके अलावा इस फिल्म को यूट्यूब पे कभी भी ऑफिशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो ये दो प्लेटफॉर्म है एक तो अमेजोन प्राइम वीडियो जहां पे सब्सक्रिप्शन के साथ ये फिल्म आप देख सकते हो सत्यमयू के नाम से दूसरा है सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अलावा आपको फिल्म फिलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल करवा दे जिस तरह से भूलभ और उस टाइप की कई फिल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है ठीक उसी तरह से लेकिन फिलहाल में यह फिल्म आपको ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी जयते जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीजें मिलाप जवेरी ने की हुई है स्टोरी आइडिया भी उनका था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार मोनिशा अडवानी मधु भोजवानी और निखिल अडवानी टोटल पांच प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एम ए एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पंचानवे करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म को पंचानवे करोड़ का बजट लगाया हुआ है अब हम बात कर लेते फिल्म स्टार कास्ट के ऊपर जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या घोसला कुमार इनके अलावा हर्ष छाया अनूप सोनी गौतमी कपूर साहिल वैद्य जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ऋतुराज सिंह राजेंद्र गुप्ता भाग्यश्री लिमाए साध राधवा दयाशंकर पांडे सलीम शाह जहास मानक और नौ नोरा फते का एक स्पेशल अपीनस देखने को मिलेगा इसके अलावा शुभ सेकंड शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई है माहिर जवेरी ने जिन्होंने फिल्म को करीबन दो घंटे और अट्ठारह मिनट यानी कि एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आरको रोचक कोहली तनिष बागची पायल देव और जयस मानक इन सभी सिंगर्स ने इन सभी कम्पोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है जहाँ पे टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का वो भी सुनने को मिलेगा तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने तो टी सीरीज लेबल के नीचे सभी गाने सुनने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊँगा अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते है टू फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ जोन अब्राम जिस तरह से मैंने कहा तीन रोल प्ले करे एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद तीसरा है ए जय बलराम आज़ाद आई दिव्या घोसला कुमार आपको एम विद्या मौर्य आज़ाद के रोल में दिखाई देंगी जो सत्या की वाइफ है हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है जो विद्या के फादर है अनुप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है साहिल वेद्या ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री लिमाय को डॉक्टर का रोल दिया गया था साध रंधावा ने सरदाना का सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तेनू लेंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ है

तो ये दोनों तीनों रोल जोन अब्राहम ने किए हुए फादर और दोस्त सन के तीनों एक सरी के फेस में देखने को मिलेंगे आपको दोनों भाई ट्वीन है इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक ए है होम मिनिस्टर है दूसरा एक AC, दूसरा एक आईपीएस और ए आपको दिखाया गया है इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीजों को दिखाया हुआ है जहां पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते है होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आजाद और अब इसमें ए सी पी बलराम आज़ाद कई किस तरह से फ़ीचर करते हैं जौन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्शन है एक्टिव दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएँ घट रही है तो अब आगे फिल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे ए सी पी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज चली आ रही है मर्डर्स की तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस सिटी में अपॉइंट किए गए वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है एक दूसरे के सामने किस तरह से आते और इसके अंत में क्या होने वाले फिल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ठीक ठाक है डिसेंट है जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज नजर आएगा राइटिंग में उतना दम नहीं था डायलॉग्स ठीक ठाक लिखे हुए थे उतने कुछ बढ़िया नहीं थे पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है ये फिल्म एक हिट फिल्म थी 2018 की सत्य में वजह थे उसका सिक्वल है लेकिन वो फिल्म भी ओके ओके थी लेकिन इससे बेटर थी वो फिल्म तो वर्क कर गई थी लेकिन इस फिल्म का वर्क ना करना यही फिल्म के डायरेक्टर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर, डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी जो अलग अलग सिनारियों है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि सवा दो घंटे का रन टाइम था फिल्म का तो वो डिसेंट था जहाँ पर सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था लेकिन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स डायरेक्शन वहीं पे कोई अता पता नहीं था कुछ जगह पे लॉजिक की काफी ज्यादा कमी नजर आ रही थी इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं करता है फिल्म में पेट्रोटिज्म की फीलिंग भी नहीं आती और साथ ही में फिल्म जिस तरह से हमें अटैच होनी चाहिए जिस तरह से हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने चाहिए वो नहीं हो पाते इसके अलावा फ़िल्म का जो ओवर दी टॉप एक्शन है वो उतना कन्विंसिंग नज़र नहीं आता है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर दी टॉप एक्शन फिल्में कभी अच्छी नहीं होती लेकिन ओवर दी टॉप एक्शन फिल्में अच्छी होती है लेकिन वो कन्विंस कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है तो वो वो सभी चीज़ें इस फिल्म में नहीं नज़र आ रही है। अदरवाइज़ बाकी तो फिल्म ओके ओके नज़र आ रही है बाकी कैमरा वर्क अच्छा था आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया हुआ था म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था सॉन्ग डिसेंट थे जहाँ पे टोटल आपको पाँच छः सॉन्ग सुनने को मिलेंगे और इस फिल्म की हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी इस वजह से फिल्म की हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल पाँच गाने मेन सुनने को मिलेंगे एक रिप्राइज वर्जन है पहला गाना है मेरी जिंदगी है तू दूसरा गाना है तेनू लेंगा तीसरा गाना है कुशुक

भी आपको अभी टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे जहां पे फिल्म में एक गाना लहंगा वाला है जस मानक का उसको रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा नुसरत फतेह अली खान का जो गाना था उसको सेम नाम के साथ मेरी जिंदगी तू के नाम से ही रिक्रिएट किया गया था तो इस तरह से दो तीन गाने इसमें रीमेक भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म की प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सत्यमेव जयते जयथे टू के नाम से बीस अक्टूबर दो को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी इसके अलावा फिल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था फूल फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी जहां पे फिल्म की लास्ट शूटिंग जो लोकेशन थी वो थी मुंबई तो मुंबई में पूरी तरह से पेच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पे करवा दिया गया था उसके बाद फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था जहाँ पे डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई थी वैसे तो ये फिल्म काफ़ी पहले आने वाली थी लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे कुछ जगह पे थिएटर बंद थे तो कुछ जगह पे 50% ऑक्यूपेंसी थी, इसके भी उतनी नहीं थी में जाके फिल्म देखे क्योंकि अप्रैल ने फैसला लिया हुआ था कि ये फिल्म हम अभी रिलीज नहीं करेंगे तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में देखने को मिलेगी उसके बाद फिल्म को पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पर फिल्म का बजट करीबन पंचानवे करोड़ था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे फिल्म को दो घंटे और अठारह मिनट का रन टाइम दिया गया था और इस एक्शन ड्रामा फिल्म के जोनर को आई पे डीबी की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन पंद्रह वोट किए गए थे तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी इसके अलावा इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी पहले दिन पर कुछ दो तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से धीरे धीरे फिल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी क्रिटिक्स की तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली हुई थी इस फिल्म के परफॉर्मेंस के ऊपर इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर इस फिल्म की कहानी स्क्रीन प्ले के ऊपर तो इन सभी चीजों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पस पसंद नहीं आई थी फिल्म तो जिस वजह से यह फिल्म उतना कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था पंचानवे करोड़ का बजट यानी काफी हाई बजट होता है तो उसके सामने फिल्म ने पहले दिन पर तीन करोड़ बाईस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था इसके अलावा दूसरे दिन पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और एक करोड़ बानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद तीसरे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ बारह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो नौ करोड़ छिहत्तर लाख का आ, मार्क किया हुआ था तो जो काफी ज़्यादा कम था बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने टोटल ग्रोस कलेक्शन 15 करोड़ उन्सी लाख का किया हुआ था इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था और ओवरसीज में डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के सत्रह करोड़ उनतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन वाइड किया हुआ था सोलह दिसंबर दो तक तो इस तरह से करीबन एक महीने के रन टाइम में फिल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जहां पे फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था तो पंचानवे करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है शेयर कलेक्शन तो ये फिल्म ने काफी ज्यादा लॉस सहा हुआ है हालांकि फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचकर इसके अलावा फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था लेकिन थिएटर के ऊपर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के प्रति उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली फेलर साबित हुई थी और पिछले कुछ समय में जॉन अब्राम की लगातार काफ़ी सारी फिल्में फेल होती हुई आ रही है जहां पे जॉन अब्राम की फ़िलहाल में रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि अटेक वो भी एक फ्लॉप फिल्म की तरफ बढ़ रही है उस फिल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ खास नहीं आ रहे तीन दिनों में सिर्फ बारह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन क्या हुआ है उस फिल्म का बजट भी पचपन करोड़ के आसपास का था तो काफ़ी हाई बजट के सामने ये फिल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रोस कलेक्शन के सामने उसके पहले ये सत्य में वजय थे मुंबई सागा पागलपंती सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी तो अब देखने वाली बात हो गई कि जोन अब्रह अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से के उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह सेट करते वो इस, उन सभी चीज़ों के ऊपर बात उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है पंचानवे करोड़ के बजट के सामने बीस करोड़ का भी ग्रोथ कलेक्शन नहीं हुआ है अब हम बात कर ले कि इस फिल्म को आप कहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो तो इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली टेलीविजन पे सोनी मैक्स के चैनल पे सत्यमय और जैते टू के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा अभी तक फिलहाल में कोई दूसरी चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा सोनी की दूसरी चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है अदरवाइज सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्यमेव जयते जैते टू के नाम से ये फिल्म देखने को मिलेगी अब हम बात करें ओ के बाद की तो ओटीटी के राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम वीडियो को अच्छी खासी राइट्स में बेचा अच्छे खासी प्राइस में बेचा गया था तो अब आपको ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी तो इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है तो आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है तो आप ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे इसके अलावा इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी भी ऑफिशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो ये दो प्लेटफॉर्म है एक तो है अमेजॉन प्राइम वीडियो जहाँ पर सब्सक्रिप्शन के साथ ये फिल्म आप देख सकते हो सत्यमय जेते टू के नाम से दूसरा है सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अलावा कोई फिल्म फिलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल करवा दे जिस तरह से बुल और उस टाइप की कई फिल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है ठीक उसी तरह से लेकिन फिलहाल में ये फिल्म आपको ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी सत्य में व जय टू जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीजें मिलाप जवेरी ने की हुई है स्टोरी आइडिया भी उनका था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार मोनिशा अडवाणी मधु भोजवानी और निखिल अडवानी टोटल पाँच प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एम ए एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पंचानवे करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म को पंचानवे करोड़ का बजट लगाया हुआ है अब हम बात कर लेते फिल्म के कास्ट के ऊपर जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या घोसला कुमार इनके अलावा हर्ष छाया अनूप सोनी गौतमी कपूर साहिल वैद्य जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ऋतुराज सिंह राजेंद्र गुप्ता भाग्यश्री लिमाए साध राधवा दयाशंकर पांडे सलीम शाह जहास मानक और नौ नोराफते का एक स्पेशल अपीनेंस देखने को मिलेगा इसके अलावा शुभ सबसे शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगी सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई है माहिर जवेरी ने जिन्होंने फिल्म को करीबन दो घंटे और अट्ठारह मिनट यानी कि एक सौ अड़तीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है जहां पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आरको रोचक कोहली तनिस बागची पायल देव और जयस मानक इन सभी सिंगर्स ने इन सभी कंपोज़र ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है जहाँ पे टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का वो भी सुनने को मिलेगा तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने तो टी सीरीज लेबल के नीचे सभी गाने सुनने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊँगा अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते टू फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ जोहन अब्राहम जिस तरह से मैंने कहा तीन रोल प्ले कर रहे एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आजाद दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आजाद तीसरा है ए जय बलराम आजाद आई दिव्या घोसला कुमार आपको एमएलए विद्या मौर्य आज़ाद के रोल में दिखाई देंगी जो सत्या की वाइफ है हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है जो विद्या के फादर है अनुप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है साहिल वेद्य ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे झाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री लिमा को डॉक्टर का रोल दिया गया था साध रंधावा ने सरदाना का सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तेनू लेंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ

तो ये दोनों तीनों रोल जो है ना ब्राह्मण हुए फादर और दोस्त सन के तीनों एक सरीके फेस में देखने को मिलेंगे आपको दोनों भाई ट्वीन है इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि एक ए है होम मिनिस्टर है दूसरा एक दूसरा एक आई और ए सी आपको दिखाया गया है इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीजों को दिखाया हुआ है जहाँ पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते है होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आजाद और अब इसमें ए सी पी जय बलराम आज़ाद कई किस तरह से फीचर करते हैं जोन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्सन है एक्टिव दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएं घट रही है तो अब आगे फिल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे ए सी पी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज चली आ रही है मर्डर्स की तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस सी में अपॉइंट किए गए वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है एक दूसरे के सामने किस तरह से आते और इसके अंत में क्या होने वाले फिल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ठीक ठाक है डिसेंट है जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज नजर आएगा राइटिंग में उतना दम नहीं था डायलॉग्स ठीक ठाक लिखे हुए थे उतने कुछ बढ़िया नहीं थे पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है ये फिल्म एक हिट फिल्म थी 2018 की सत्य में वजह थे उसका सिक्वल है लेकिन वो फिल्म भी ओके ओके थी लेकिन इससे बेटर थी वो फिल्म तो वर्क कर गई थी लेकिन इस फिल्म का वर्क ना करना यही फिल्म के डायरेक्टर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी जो अलग अलग सीनारी है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि सवा घंटे का रन टाइम था फिल्म का तो वो डिसेंट था जहाँ सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था लेकिन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स डायरेक्शन वहीं पे कोई अता पता नहीं था कुछ जगह पे लॉजिक की काफी ज्यादा कमी नजर आ रही थी इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं करता है फिल्म में पेट्रोटिज्म की फीलिंग भी नहीं आती और साथ ही में फिल्म जिस तरह से हमें अटैच होनी चाहिए जिस तरह से हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने चाहिए वो नहीं हो पाते इसके अलावा फ़िल्म का जो ओवर द टॉप एक्शन है वो उतना कन्विंसिंग नज़र नहीं आता मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर द टॉप एक्शन फिल्में कभी अच्छी नहीं होती लेकिन ओवर द टॉप एक्शन फिल्में अच्छी होती लेकिन वो कन्विंस कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है तो वो वो सभी चीज़ें इस फिल्म में नहीं नजर आ रही अदरवाइज़ बाकी तो फिल्म ओके ओके नजर आ रही है बाकी कैमरा वर्क अच्छा था आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया होता म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था सॉन्ग डिसेंट थे जहाँ पे टोटल आपको पाँच छः सॉन्ग सुनने को मिलेंगे और इस फिल्म के हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी इस वजह से फिल्म के हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल पाँच गाने मेन सुनने को मिलेंगे एक रिप्राइज वर्जन है पहला गाना है मेरी जिंदगी है तू दूसरा गाना है तेनू लेंगा तीसरा गाना है कुसु

भी आपको अभी टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे जहां पे फिल्म में एक गाना लहंगा वाला है जस मानक का उसको रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा नु, नुसरत फतेह अली खान का जो गाना था उसको सेम नाम के साथ मेरी जिंदगी तू के नाम से ही रिक्रिएट किया गया था तो इस तरह से दो तीन गाने इसमें रीमेक भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म की प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सत्यमेव जयते टू के नाम से बीस अक्टूबर दो को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी इसके अलावा फिल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था फूल फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी जहां पे फिल्म की लास्ट शूटिंग जो लोकेशन uh, थी वो थी मुंबई तो मुंबई में पूरी तरह से पेच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पे करवा दिया गया था उसके बाद फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था जहाँ पे डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई थी वैसे तो ये फिल्म काफ़ी पहले आने वाली थी लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे कुछ जगह थिएटर बंद थे तो कुछ जगह पर फिफ्टी परसेंट ऑक्युपेंसी थी ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फिल्म क्योंकि कोविड 19 का माहौल ही कुछ ऐसा था उस वजह से अप्रैल 2021 में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये फिल्म हम अभी रिलीज नहीं करेंगे तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में देखने को मिलेगी उसके बाद फिल्म को पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पे फिल्म का बजट करीबन पंचानवे करोड़ था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे फिल्म को दो घंटे और मिनट का रन टाइम दिया गया था और इस एक्शन ड्रामा फिल्म के जोनर को IMDb पे की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन 15 वोट किए गए थे तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी इसके अलावा इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी पहले दिन पर कुछ दो तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से धीरे धीरे फिल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी क्रिटिक्स की तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली हुई थी इस फिल्म के परफॉर्मेंस सीरीज़ के ऊपर इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर इस फिल्म की कहानी स्क्रीन प्ले के ऊपर तो इन सभी चीज़ों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पस पसंद नहीं आई थी फिल्म तो जिस वजह से ये फिल्म उतना कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था पंचानवे करोड़ का बजट यानी काफ़ी हाई बजट होता है तो उसके सामने फिल्म ने पहले दिन पर तीन करोड़ बाईस लाख का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था इसके अलावा तो दूसरे दिन पर फिल्म ने काफी ज़्यादा ड्रॉप लिया और एक करोड़ बनबानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद तीसरे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ बारह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ पचास लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो नौ करोड़ छिहत्तर लाख का आ, मार्क किया हुआ था तो जो काफी ज्यादा कम था बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म में टोटल ग्रोस कलेक्शन 15 करोड़ उन्सी लाख का किया हुआ था इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था ओवरसीज में डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के सत्रह करोड़ 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन वाइड किया हुआ था सोलह दिसंबर दो तक तो इस तरह से करीबन एक महीने के रन टाइम में फिल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जहां पे फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था तो पंचानवे करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है शेयर कलेक्शन तो ये फिल्म ने काफी ज़्यादा लॉस सहा हुआ है हालांकि फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचकर इसके अलावा फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था लेकिन थिएटर के ऊपर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के प्रति उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली फेलर साबित हुई थी और पिछले कुछ समय में जॉन अब्रह की लगातार काफ़ी सारी फिल्में फेल होती हुई आ रही है जहां पे जॉन ओब्राम की फिलहाल में रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि अटैक वो भी एक फ्लॉप फिल्म की तरफ बढ़ रही है उस फिल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ ख़ास नहीं आ रहे तीन दिनों में सिर्फ बारह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन क्या हुआ है उस फिल्म का बजट भी पचपन करोड़ के आसपास का था तो काफ़ी हाई बजट के सामने ये फिल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रॉस कलेक्शन के सामने उसके पहले ये सत्य में हो जाए थे मुंबई सागा पागलपंथी सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी तो अब देखने वाली बात हो गई कि जोन अब्रम अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से कहते उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह सेट करते वो इस उन सभी चीज़ों के ऊपर बात उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है पंचानवे करोड़ के बजट के सामने बीस करोड़ का भी ग्रोथ कलेक्शन नहीं हुआ है अब हम बात कर ले कि इस फिल्म को आप कहाँ पर ऑफिशियली देख सकते हो तो इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली टेलीविजन पे सोनी मैक्स के चैनल वो सत्यमेव जयते टू के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा अभी तक फिलहाल में कोई दूसरे चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा सोनी की दूसरे चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है अदरवाइज सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्य में 2 टू के नाम से ये फिल्म देखने को मिलेगी अब हम बात करें ओ के बात की तो ओ के राइट्स खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम वीडियो को अच्छे खासी राइट्स में बेचा अच्छे खासी प्राइस में बेचा गया था तो अब आपको ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी तो इस फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है तो आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है तो आप ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे इसके अलावा इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी भी ऑफिशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो ये दो प्लेटफॉर्म है एक तो अमेजॉन प्राइम वीडियो जहाँ पर सब्सक्रिप्शन के साथ ये फिल्म आप देख सकते हो सत्यमय जयते टू के नाम से दूसरा है सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अलावा आपको फिल्म फिलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल करवा दे जिस तरह से बुलबल्ल या और उस टाइप की कई फिल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है ठीक उसी तरह से लेकिन फिलहाल में ये फिल्म आपको ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी सत्य में व जयते टू जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें मिलाप जवेरी ने की हुई है स्टोरी आइडिया भी उनका था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार मोनिशा अडवाणी मधु भोजवानी और निखिल अडवानी टोटल पाँच प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एम ए एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पंचानवे करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म को पंचानवे करोड़ का बजट लगाया हुआ है अब हम बात कर लेते फिल्म की कास्ट के ऊपर जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या घोसला कुमार इनके अलावा हर्ष छाया अनूप सोनी गौतमी कपूर साहिल वैद्य जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ऋतुराज सिंह राजेंद्र गुप्ता भाग्यश्री लिमाए साध राधवा दयाशंकर पांडे सलीम शाह जहास मानक और नौ नोराफती का एक स्पेशल अपीनस देखने को मिलेगा इसके अलावा शुभ सबसे शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई है माहिर जवेरी ने जिन्होंने फिल्म को करीबन दो घंटे और अट्ठारह मिनट यानी कि एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आरको रोचक कोहली तनिष बागची पायल देव और जयस मानक इन सभी सिंगर्स ने इन सभी कम्पोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है जहाँ पे टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का वो भी सुनने को मिलेगा तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने तो टी सीरीज लेबल के नीचे सभी गाने सुनने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊँगा अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते टू फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ जोन अब्राहम जिस तरह मैंने कहा तीन रोल प्ले करे एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद तीसरा है ए जय बलराम आज़ाद आई दिव्या घोसला कुमार आपको एमएलए विद्या मौर्य आज़ाद के रोल में दिखाई देंगी जो सत्या की वाइफ है हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है जो विद्या के फादर है अनुप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है साहिल वेद्या ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री लिमाय को डॉक्टर का रोल दिया गया था साध रंधावा ने सरदाना का सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तेनू लहंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ

तो ये दोनों तीनों रोल जोन अब्राम ने किए हुए फादर और दोस्त सन के तीनों एक सरी के फेस में देखने को मिलेंगे आपको दोनों भाई ट्वीन है इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक ए है होम मिनिस्टर है दूसरा एक एस दूसरा एक आई और ए सी आपको दिखाया गया है इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीजों को दिखाया हुआ है जहां पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते है होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आजाद और अब इसमें ए सी पी बलराम आज़ाद कई किस तरह से फ़ीचर करते हैं जोन का जो फ्लैशबैक पोर्शन है एक्टिविट दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएँ घट रही है तो अब आगे फिल्म किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे एसीपी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज चली आ रही है मर्डर्स की तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस सि में अपॉइंट किए गए वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है एक दूसरे के सामने किस तरह से आते और इसके अंत में क्या होने वाले फिल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ठीक ठाक है डिसेंट है जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा एवरेज नजर आएगा राइटिंग में उतना दम नहीं था डायलॉग्स ठीक ठाक लिखे हुए थे उतने कुछ बढ़िया नहीं थे पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है ये फिल्म एक हिट फिल्म थी 2018 की सत्य में वजह थे उसका सिकवल है लेकिन वो फिल्म भी ओके ओके थी लेकिन इससे बेटर थी वो फिल्म तो वर्क कर गई थी लेकिन इस फिल्म का वर्क ना करना यही फिल्म के डायरेक्टर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी जो अलग अलग सिनारियों है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि सवा दो घंटे का रन टाइम था फिल्म का तो वो डिसेंट था जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने से किया हुआ था लेकिन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स डायरेक्शन वहीं पे कोई अता पता नहीं था कुछ जगह पे लॉजिक की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही थी इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं करता है फिल्म में पेट्रोटिजम की फीलिंग भी नहीं आती और साथ ही में फिल्म जिस तरह से हमें अटैच होनी चाहिए जिस तरह से हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने चाहिए वो नहीं हो पाते इसके अलावा फ़िल्म का जो ओवर द टॉप एक्शन है वो उतना कन्विंसिंग नज़र नहीं आता मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर दी टॉप एक्शन फिल्में कभी अच्छी नहीं होती लेकिन ओवर द टॉप एक्शन फिल्में अच्छी होती है लेकिन वो कन्विंस का, कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है तो वो, वो सभी चीज़ें इस फिल्म में नहीं, नहीं नज़र आ रही अदरवाइज़ बाकी तो फिल्म ओके ओके नज़र आ रही है बाकी कैमरा वर्क अच्छा था आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया होता म्यूज़िक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था सॉन्ग डिसेंट थे जहाँ पे टोटल आपको पाँच छः सॉन्ग सुनने को मिलेंगे और इस फिल्म के हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी इस वजह से फिल्म के हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल पाँच गाने मेन सुनने को मिलेंगे एक रिप्राइज वर्जन है पहला गाना है मेरी जिंदगी है तू दूसरा गाना है तेनू लेंगा तीसरा गाना है कुसुकुसु चौथा कुसु, गाना है जन मन मना पाँचवा गाना है माँ सेरा वाली छठा गाना है जन मन रिप्राइज वर्जन तो ये टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज किया हुआ है इसके अलावा रिलेज भी आपको ज़्यादातर इस फिल्म में अलग अलग देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रैक को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और प्रॉपर साउंड ट्रैक को तेईस नवंबर दो को टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था तो ये फिल्म के गाने सभी आपको अभी टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पर फिल्म में एक गाना लहंगा वाला है जैसमानक का उसको रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा नुसरत फतेह अली खान का जो गाना था उसको सेम नाम के साथ मेरी जिंदगी के नाम से रिक्रिएट किया गया था तो इस तरह से दो तीन गाने, इस रिमेक भी आपको देखने को मिल जाएंगे बीस अक्टूबर दो हजार बीस को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी इसके अलावा फिल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था फुल फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी जहां पे फिल्म की लास्ट शूटिंग जो लोकेशन uh, थी वो थी मुंबई तो मुंबई में पूरी तरह से पेच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पे करवा दिया गया था उसके बाद फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था जहाँ पे डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई थी वैसे तो ये फिल्म काफ़ी पहले आने वाली थी लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन हो रही थी साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे कुछ जगह पर थिएटर बंद थे तो कुछ जगह पर फिफ्टी परसेंट ऑक्यूपेंसी थी इसके अलावा ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फिल्म देखे क्योंकि कोविड नाइन्टीन का माहौल ही कुछ ऐसा था उस वजह से अप्रैल दो में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये फिल्म हम अभी रिलीज नहीं करेंगे तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट 25 नवंबर 2021 को थिएटर में देखने को मिलेगी उसके बाद फिल्म को 25 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पर फिल्म का बजट करीबन पंचानवे करोड़ था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पर फिल्म को दो घंटे और अट्ठारह मिनट का रन टाइम दिया गया था और इस एक्शन ड्रामा फिल्म के जोनर को आई पे पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीब पंद्रह हजार वोट किए गए थे तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी इसके अलावा इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी पहले दिन पर कुछ दो तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से धीरे धीरे फिल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली हुई थी इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस के ऊपर इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर इस फिल्म की कहानी स्क्रीन प्ले के ऊपर तो इन सभी चीज़ों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पस पसंद नहीं आई थी फिल्म तो जिस वजह से ये फिल्म उतना कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था पंचानवे करोड़ का बजट यानी काफ़ी हाई बजट होता है तो उसके सामने फिल्म ने पहले दिन पर तीन करोड़ बाईस लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था इसके अलावा दूसरे दिन पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और एक करोड़ बानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद तीसरे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ बारह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ पचास लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो नौ करोड़ छिहत्तर लाख का आ, मार्क किया हुआ था तो जो काफी ज्यादा कम था बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने टोटल ग्रोस कलेक्शन 15 करोड़ उन्सी लाख का किया हुआ था इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था ओवरसीज में डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के सत्रह करोड़ उनतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन वाइड किया हुआ था सोलह दिसंबर दो तक तो इस तरह से करीबन एक महीने के रन टाइम में फिल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जहां पे फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था तो पंचानवे करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है ना कि शेयर कलेक्शन तो ये फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा लॉस सहा हुआ है हालांकि फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचकर इसके अलावा फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था लेकिन थिएटर के ऊपर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के प्रति उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली फेलर साबित हुई थी और पिछले कुछ समय में जॉन अब्राम की लगातार काफ़ी सारी फिल्में फेल होती हुई आ रही है जहाँ पे जॉन अब्राम की फ़िलहाल में रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि अटेक वो भी एक फ्लॉप फिल्म की तरफ बढ़ रही है उस फिल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ खास नहीं आ रहे तीन दिनों में सिर्फ बारह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन क्या हुआ है उस फिल्म का बजट भी पचपन करोड़ के आसपास का था तो काफ़ी हाई बजट के सामने ये फिल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रोस कलेक्शन के सामने उसके पहले ये सत्य में अजय थे मुंबई सागा पागलपंती सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी तो अब देखने वाली बात हो गई कि जोन अब्रह अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से के उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह सेट करते वो वही उन सभी चीज़ों के ऊपर बात उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है पंचानवे करोड़ के बजट के सामने बीस करोड़ का भी ग्रोथ कलेक्शन नहीं हुआ है अब हम बात कर ले कि इस फिल्म को आप कहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो तो इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली टेलीविजन पे सोनी मैक्स के चैनल पे सत्यमेव जयते टू के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा अभी तक फिलहाल में कोई दूसरे चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा सोनी की दूसरे चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है अदरवाइज सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्य में 2 टू के नाम से ये फिल्म देखने को मिलेगी अब हम बात करें ओ के बात की तो ओ के राइट्स खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी राइट्स में बेचा अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था तो अब आपको ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी तो इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है तो आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है तो आप ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे इसके अलावा इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी भी ऑफिशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो ये दो प्लेटफॉर्म है एक तो अमेजॉन प्राइम वीडियो जहाँ पर सब्सक्रिप्शन के साथ ये फिल्म आप देख सकते हो सत्यमय जयते टू के नाम से दूसरा है सैटेलाइट चैनल सोनी मैक्स तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अलावा कोई फिल्म फिलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज अपने यूट्यूब करवा दे जिस तरह से बुल या और उस टाइप की कई फिल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है ठीक उसी तरह से लेकिन फिलहाल में ये फिल्म आपको ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी सत्य में व जयते टू जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें मिलाप जवेरी ने की हुई है स्टोरी आइडिया भी उनका था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार मोनिशा अडवाणी मधु भोजवानी और निखिल अडवाणी टोटल पाँच प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एम ए एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पंचानवे करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म को पंचानवे करोड़ का बजट लगाया हुआ है अब हम बात कर लेते फिल्म की कास्ट के ऊपर जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या घोसला कुमार इनके अलावा हर्ष छाया अनूप सोनी गौतमी कपूर साहिल वैद्य जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ऋतुराज सिंह राजेंद्र गुप्ता भाग्यश्री लिमाए साध राधवा दयाशंकर पांडे सलीम शाह जहास मानक और नौ नोराफते का एक स्पेशल अपीनेंस देखने को मिलेगा इसके लाभ शुभ सबसे शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई माहिर जवेरी ने जिन्होंने फिल्म को करीबन दो घंटे और अट्ठारह मिनट यानी कि एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आरको रोचक कोहली तनिष बागची पायल देव और जयस मानक इन सभी सिंगर्स ने इन सभी कंपोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है जहाँ पे टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का वो भी सुनने को मिलेगा तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने तो टी सीरीज लेबल के नीचे सभी गाने सुनने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊँगा अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते टू फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ जोहन अब्राहम जिस तरह मैंने कहा तीन रोल प्ले करे एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आजाद दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आजाद तीसरा है ए जय बलराम आजाद आई दिव्या घोसला कुमार आपको एमएलए विद्या मौर्य आजाद के रोल में दिखाई देंगी जो सत्या की वाइफ है हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है जो विद्या के फादर है अनुप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है साहिल वेद्या ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे झाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री लिमाय को डॉक्टर का रोल दिया गया था साध रंधावा ने सरदाना का सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तेनू लेंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ

तो ये दोनों तीनों रोल जो नाम ने किए हुए फादर और दोस्त सन के तीनों एक सरी के फेस में देखने को मिलेंगे आपको दोनों भाई ट्वीन है इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि एक ए होम मिनिस्टर है दूसरा एक AC, दूसरा एक एस और ए आपको दिखाया गया है इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीजों को दिखाया हुआ है जहां पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते है होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आजाद और अब इसमें ए सी पी बलराम आज़ाद कई किस तरह से फीचर करते हैं जॉन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्सन है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएँ घट रही है तो अब आगे फिल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे ए सी पी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज चली आ रही है मर्डर्स की तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस टीम में अपॉइंट किए गए वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है एक दूसरे के सामने किस तरह से आते और इसके अंत में क्या होने वाला है फिल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ठीक ठाक है डिसेंट है जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज नजर आएगा राइटिंग में उतना दम नहीं था डायलॉग्स ठीक ठाक लिखे हुए थे उतने कुछ बढ़िया नहीं थे पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है ये फिल्म एक हिट फिल्म थी 2018 की सत्य में वजह थे उसका सिक्वल है लेकिन वो फिल्म भी ओके ओके थी लेकिन इससे बेटर थी वो फिल्म तो वर्क कर गई थी लेकिन इस फिल्म का वर्क ना करना यही फिल्म के डायरेक्टर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी जो अलग अलग सिनारियों है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि सवा दो घंटे का रन टाइम था फिल्म का तो वो डिसेंट था जहाँ सभी चीजों को अच्छी तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था लेकिन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स डायरेक्शन वहीं पे कोई अता पता नहीं था कुछ जगह पे लॉजिक की काफी ज्यादा कमी नजर आ रही थी इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं करता है फिल्म में पेट्रोटिज्म की फीलिंग भी नहीं आती और साथ ही में फिल्म जिस तरह से हमें अटैच होनी चाहिए जिस तरह से हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होने चाहिए वो नहीं हो पाते इसके अलावा फ़िल्म का जो ओवर द टॉप एक्शन है वो उतना कन्विंसिंग नज़र नहीं आता मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओवर द टॉप एक्शन फिल्में कभी अच्छी नहीं होती लेकिन ओवर द टॉप एक्शन फिल्में अच्छी होती लेकिन वो कन्विंस कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है तो वो, वो सभी चीज़ें इस फिल्म में नहीं, नहीं नज़र आ रही अदरवाइज़ बाकी तो फिल्म ओके ओके नज़र आ रही है बाकी कैमरा वर्क अच्छा था आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया होता म्यूज़िक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था सॉन्ग डिसेंट थे जहाँ पे टोटल आपको पाँच छः सॉन्ग सुनने को मिलेंगे और इस फिल्म के हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी इस वजह से फिल्म के हर एक फ्रेम आपको रिच नजर आएगी इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल पाँच गाने मेन सुनने को मिलेंगे एक रिप्राइज वर्जन है पहला गाना है मेरी जिंदगी है तू दूसरा गाना है तेनू लेंगा तीसरा गाना है कुसुकुसु चौथा कुसु, गाना है जन मन पाँचवा गाना है माँ सेरा वाली छठा गाना है जन मन रिप्राइज वर्जन तो ये टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज किया हुआ है इसके अलावा लिरिक्स भी आपको ज्यादातर इस फिल्म में अलग अलग देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रैक को दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था और प्रॉपर साउंड ट्रैक को तेईस नवंबर दो को टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था तो ये फिल्म के गाने सभी आपको अभी टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पर फिल्म में एक गाना लहंगा वाला है जसमानक का उसको रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा नुसरत फतेह अली खान का जो गाना था उसको सिख नाम के साथ मेरी जिंदगी तो दो तीन प्रोडक्शन तो से 20 अक्टूबर 2020 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी इसके अलावा फिल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था फुल फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी जहां पे फिल्म की लास्ट शूटिंग जो लोकेशन थी वो थी मुंबई तो मुंबई में पूरी तरह से पेच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पे करवा दिया गया था उसके बाद फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था जहाँ पे डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई थी वैसे तो ये फिल्म काफ़ी पहले आने वाली थी लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे कुछ जगह पे थिएटर बंद थे तो कुछ जगह 50% फिफ्टी परसेंट इसके थी ऑडियंस भी उतनी रिलीज नहीं करेंगे तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में देखने को मिलेगी उसके बाद फिल्म को पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पे फिल्म का बजट करीबन पंचानवे करोड़ था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यू सर्टिफिकेट दिया गया था जहाँ पे फिल्म को दो घंटे और 18 मिनट का रन टाइम दिया गया था और इस एक्शन ड्रामा फिल्म के जोनर को आई पे पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से जिसमें करीबन पंद्रह वोट किए गए थे तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी इसके अलावा इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी पहले दिन पर कुछ दो तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से धीरे धीरे फिल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली हुई थी इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस के ऊपर इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर इस फिल्म की कहानी स्क्रीन प्ले के ऊपर तो इन सभी चीज़ों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पस पसंद नहीं आई थी फिल्म तो जिस वजह से ये फिल्म उतना कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था पंचानवे करोड़ का बजट यानी काफ़ी हाई बजट होता है तो उसके सामने फिल्म ने पहले दिन पर तीन करोड़ बाईस लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था इसके अलावा दूसरे दिन पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और एक करोड़ बनबानवे लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद तीसरे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ बारह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ पचास लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो नौ करोड़ छिहत्तर लाख का आ, मार्क किया हुआ था तो जो काफी ज्यादा कम था बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म में टोटल ग्रोस कलेक्शन 15 करोड़ उन्सी लाख का किया हुआ था इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था और ओवरसीज में डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के सत्रह करोड़ 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन वाइड किया हुआ था सोलह दिसंबर दो तक तो इस तरह से करीबन एक महीने के रन टाइम में फिल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जहां पे फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था तो पंचानवे करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है ना कि शेयर कलेक्शन तो ये फिल्म ने काफी ज़्यादा लॉस सहा हुआ है हालांकि फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचकर इसके अलावा फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था लेकिन थिएटर के ऊपर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के प्रति उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली फेलर साबित हुई थी और पिछले कुछ समय में जॉन अब्रह की लगातार काफ़ी सारी फिल्में फेल होती हुई आ रही है जहां पे जॉन अब्रह की फ़िलहाल में रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि अटैक वो भी एक फ्लॉप फिल्म की तरफ बढ़ रही है उस फिल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ ख़ास नहीं आ रहे तीन दिनों में सिर्फ बारह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन क्या हुआ है उस फिल्म का बजट भी पचपन करोड़ के आसपास का था तो काफ़ी हाई बजट के सामने ये फिल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रॉस कलेक्शन के सामने उसके पहले ये सत्य में हो जाए थे मुंबई सागा पागलपंथी सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी तो अब देखने वाली बात हो गई कि जो नबर हम अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से कहते उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह सेट करते वो इस, उन सभी चीज़ों के ऊपर बात उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है पंचानवे करोड़ के बजट के सामने बीस करोड़ का भी ग्रोथ कलेक्शन नहीं हुआ है अब हम बात कर ले कि इस फिल्म को आप कहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो तो इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स ख़रीदे हुए तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली टेलीविज़न पे सोनी मैक्स के चैनल वो सत्यमेव जयते टू के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा अभी तक फिलहाल में कोई दूसरे चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा सोनी की दूसरे चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है अदरवाइज सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्य में अवजेते टू के नाम से ये फिल्म देखने को मिलेगी अब हम बात करें ओ के बात की तो ओ के राइट्स खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम वीडियो को अच्छी खासी राइट्स में बेच अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था तो अब आपको ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी तो इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है तो आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है तो आप ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे इसके अलावा इस फिल्म को यूट्यूब पे कभी भी ऑफिशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो ये दो प्लेटफॉर्म है एक तो अमेजॉन प्राइम वीडियो जहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ ये फिल्म आप देख सकते हो सत्यमेव जयते टू के नाम से दूसरा है सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अलावा आपको फिल्म फ़िलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल करवा दे जिस तरह से भूलैया और उस टाइप की कई फिल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है ठीक उसी तरह से लेकिन फिलहाल में ये फिल्म आपको ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी सत्य में व जयते टू जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें मिलाप जवेरी ने की हुई है स्टोरी आइडिया भी उनका था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार मोनिशा अडवानी मधु भोजवानी और निखिल अडवानी टोटल पाँच प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एम ए एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पंचानवे करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म को पंचानवे करोड़ का बजट लगाया हुआ है अब हम बात कर लेते फिल्म की कास्ट के ऊपर जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या घोसला कुमार इनके अलावा हर्ष छाया अनूप सोनी गौतमी कपूर साहिल वैद्य जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ऋतुराज सिंह राजेंद्र गुप्ता भाग्यश्री लिमाए साध राधवा दयाशंकर पांडे सलीम शाह जहास मानक और नोह नोरा फतेह का एक स्पेशल अपीनियंस देखने को मिलेगा इसके अलावा शुभ शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई है माहिर जवेरी ने जिन्होंने फिल्म को करीबन दो घंटे और अट्ठारह मिनट यानी कि एक सौ अड़तीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आरको रोचक कोहली तनिस बागची पायल देव और जयस मानक इन सभी सिंगर्स ने इन सभी कंपोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है जहाँ पे टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का वो भी सुनने को मिलेगा तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने तो टी सीरीज लेबल के नीचे सभी गाने सुनने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊंगा अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते टू फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर कौन सा एकटा कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ जोन अब्राम जिस तरह मैंने कहा तीन रोल प्ले करे एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आजाद दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आजाद तीसरा है ए जय बलराम आजाद, आजाद आई दिव्या घोसला कुमार आपको एम विद्या मौर्य आजाद के रोल में दिखाई देंगी जो सत्या की वाइफ है हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है जो विद्या के फादर है अनुप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है साहिल वेद्या ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे झाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री लिमाय को डॉक्टर का रोल दिया गया था साध रंधावा ने सरदाना का सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तेनू लेंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया

तो ये दोनों तीनों रोल जोन अब्राह्म ने किए हुए फादर और दोस्त सन के तीनों एक सरी के फेस में देखने को मिलेंगे आपको दोनों भाई ट्वीन है इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक ए है होम मिनिस्टर है दूसरा एक AC, दूसरा एक आई और ए आपको दिखाया गया है इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीजों को दिखाया हुआ है जहाँ पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते है होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आजाद और अब इसमें ए सी पी बलराम आज़ाद कई किस तरह से फ़ीचर करते हैं जॉन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्शन है एक्टिव दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएँ घट रही है तो अब आगे फिल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे ए सी पी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज चली आ रही है मर्डर्स की तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस सिटी में अपॉइंट किए गए वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है एक दूसरे के सामने किस तरह से आते और इसके अंत में क्या होने वाले फिल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ठीक ठाक है डिसेंट है जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज नजर आएगा राइटिंग में उतना दम नहीं था डायलॉग्स ठीक ठाक लिखे हुए थे उतने कुछ बढ़िया नहीं थे पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है ये फिल्म एक हिट फिल्म थी 2018 की सत्य में वे जय थे उसका सिकवल है लेकिन वो फिल्म भी ओके ओके थी लेकिन इससे बेटर थी वो फिल्म तो वर्क कर गई थी लेकिन इस फिल्म का वर्क ना करना यही फिल्म के डायरेक्टर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी जो अलग अलग सीनारियों है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि सवा दो घंटे का रन टाइम था फिल्म का तो वो डिसेंट था जहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने से किया हुआ था लेकिन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स डायरेक्शन वहीं पर कोई अतापता नहीं था कुछ जगह पर लॉजिक की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही थी इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं कर फिल्म में की फीलिंग भी नहीं आती है और साथ ही में फिल्म जिस जिस तरह तरह से हमें अटेच होनी चाहिए है, वो उतना नजर नहीं आता मैं नहीं बोल रहा हूं एक्शन फिल्में कभी अच्छी नहीं होती लेकिन ओवर दी टॉप एक्शन फिल्में अच्छी होती है लेकिन कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है तो वो वो सभी चीज़ें इस फिल्म में नहीं नजर आ रही अदरवाइज बाकी तो फिल्म ओके ओके नज़र आ रही है बाकी कैमरा वर्क अच्छा था आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया था म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था सॉन्ग डिसेंट थे जहाँ पे टोटल आपको पाँच छः सॉन्ग सुनने को मिलेंगे और इस फिल्म के हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी इस वजह से फिल्म के हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल पाँच गाने मेन सुनने को मिलेंगे एक रिप्राइज वर्जन है पहला गाना है मेरी जिंदगी है तू दूसरा गाना है तेनू लेंगा तीसरा गाना है कुसु कुसु चौथा गाना है जन मन पाँचवा गाना है माँ सेरा वाली छठा गाना है जन मन रिप्राइज वर्जन तो ये टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज़ किया हुआ है इसके अलावा लिरिक्स भी आपको ज़्यादातर इस फिल्म में अलग अलग देखने को मिलने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रैक को दो हज़ार बीस में रिकॉर्ड किया गया था और प्रॉपर साउंड ट्रैक को तेईस नवंबर दो को टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था तो ये फिल्म के गाने सभी आपको अभी टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पर फिल्म में एक गाना लहंगा वाला है जैसमानक का उसको रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान का जो गाना था उसको सेम नाम के साथ मेरी जिंदगी के नाम से रिक्रिएट किया गया था तो इस तरह से दो तीन हजार बीस को लखनऊ तो में स्टार्ट 20 की गई थी इसके अलावा फिल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था फुल फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी जहां पे फिल्म की लास्ट शूटिंग जो लोकेशन थी वो थी मुंबई तो मुंबई में पूरी तरह से पेच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पे करवा दिया गया था उसके बाद फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था जहाँ पे डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई थी वैसे तो ये फिल्म काफ़ी पहले आने वाली थी लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे कुछ जगह थिएटर बंद थे तो कुछ जगह पर फिफ्टी परसेंट ऑक्युपेंसी थी ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फिल्म देखे, क्योंकि कोविड 19 का माहौल ही कुछ ऐसा था उस वजह से अप्रैल 2021 में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये फिल्म हम अभी रिलीज नहीं करेंगे तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में देखने को मिलेगी उसके बाद फिल्म को पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पर फिल्म का बजट करीबन पंचानवे करोड़ था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पर फिल्म को दो घंटे और की रेटिंग हासिल हुई थी, दस में से में 15 वोट बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी पहले दिन पर कुछ दो तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से धीरे धीरे फिल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी क्रिटिक्स की तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली हुई थी इस फिल्म के परफॉर्मेंस के ऊपर इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर इस फिल्म की की कहानी के ऊपर तो इन सभी चीजों वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पसंद नहीं आई थी फिल्म तो जिस वजह से यह फिल्म उतना कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था पंचानवे करोड़ का बजट यानी काफी हाई बजट होता है तो उसके सामने फिल्म ने पहले दिन पर तीन करोड़ बाईस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था इसके अलावा दूसरे दिन पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और एक करोड़ बनबानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद तीसरे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ बारह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ पचास लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो नौ करोड़ छिहत्तर लाख का आ, मार्क किया हुआ था तो जो काफी ज्यादा कम था बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने टोटल ग्रोस कलेक्शन 15 करोड़ उन्नासी लाख का किया हुआ था इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था ओवरसीज और और में डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के सत्रह करोड़ 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन वाइड किया हुआ था सोलह दिसंबर दो तक तो इस तरह से करीबन एक महीने के रन टाइम में फिल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जहां पे फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था तो पंचानवे करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है ना कि शेयर कलेक्शन तो ये फिल्म ने काफी ज्यादा सहा हुआ है हालांकि फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचकर इसके अलावा फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था लेकिन थिएटर के ऊपर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के प्रति उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली फेलर साबित हुई थी और पिछले कुछ समय में जॉन अब्राम की लगातार काफ़ी सारी फिल्में फेल होती हुई आ रही है जहां पे जॉन अब्राम की फिलहाल में रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि अटैक वो भी एक फ्लॉप फिल्म की तरफ बढ़ रही है उस फिल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ खास नहीं आ रहे तीन दिनों में सिर्फ बारह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन क्या हुआ है उस फिल्म का बजट भी पचपन करोड़ के आसपास का था तो काफ़ी हाई बजट के सामने ये फिल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रोस कलेक्शन के सामने उसके पहले ये सत्य में अजय थे मुंबई सागा पागलपंती सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी तो अब देखने वाली बात हो गई कि जॉन अब्रह अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से कहते उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह सेट करते वो इस उन सभी चीज़ों के ऊपर बात उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है पंचानवे करोड़ के बजट के सामने बीस करोड़ का भी ग्रोथ कलेक्शन नहीं हुआ है अब हम बात कर ले कि इस फिल्म को आप कहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो तो इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली टेलीविजन पे सोनी मैक्स के चैनल वो सत्यमेव जयते टू के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा अभी तक फिलहाल में कोई दूसरी चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा सोनी की दूसरी चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है अदरवाइज सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्य में 2 टू के नाम से ये फिल्म देखने को मिलेगी अब हम बात करें ओ के बाद की तो ओटीटी के राइट्स खरीदे हुए अमेजोन प्राइम वीडियो ने जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला तो अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी राइट्स में बेचा अच्छे खासी प्राइस में बेचा गया था तो अब आपको ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी तो इस फिल्म को अगर आपको ओ तो टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है तो आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है तो आप ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे इसके अलावा इस फिल्म को यूट्यूब पे कभी भी ऑफिशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो ये दो प्लेटफॉर्म है एक तो अमेजोन प्राइम वीडियो जहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ ये फिल्म आप देख सकते हो सत्यमय जेते टू के नाम से दूसरा है सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अलावा आपको फिल्म फिलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल करवा दे जिस तरह से भूलभुला या और उस टाइप की कई फिल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है ठीक उसी तरह से लेकिन फिलहाल में ये फिल्म आपको ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी सत्य में व जयते टू जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें मिलाप जवेरी ने की हुई है स्टोरी आइडिया भी उनका था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार मोनिशा अडवानी मधु भोजवानी और निखिल अडवानी टोटल पांच प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एम ए एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पंचानवे करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म को पंचानवे करोड़ का बजट लगाया हुआ है अब हम बात कर लेते फिल्म स्टार कास्ट के ऊपर जोन अबराम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या घोसला कुमार इनके अलावा हर्ष छाया अनुप सोनी गौतमी कपूर साहिल वैद्य जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ऋतुराज सिंह राजेंद्र गुप्ता भाग्यश्री लिमाए साध राधवा दयाशंकर पांडे सलीम शाह जास मानक और नोहर नोराफते का एक स्पेशल अपीनस देखने को मिलेगा इसके अलावा शुभ शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई है माहिर जवेरी ने जिन्होंने फिल्म को करीबन दो घंटे और अट्ठारह मिनट यानी कि एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है जहां पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आरको रोचक कोहली तनिष बागची पायल देव और जयस मानक इन सभी सिंगर्स ने इन सभी कम्पोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है जहाँ पे टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का वो भी सुनने को मिलेगा तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने तो टी सीरीज लेबल के नीचे सभी गाने सुनने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊँगा अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते है टू फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ जौन अब्राम जिस तरह से मैंने कहा तीन रोल प्ले कर रहे एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद तीसरा है ए जय बलराम आज़ाद आई दिव्या घोसला कुमार आपको एम विद्या मौर्य आज़ाद के रोल में दिखाई देंगी जो सत्या की वाइफ है हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्रप्रकाश मौर्या का रोल प्ले किया हुआ है जो विद्या के फादर है अनुप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है साहिल वेद्य ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे जाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री लिमाय को डॉक्टर का रोल दिया गया था साध रंधावा ने सरदाना का सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तेनू लेंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ

तो ये दोनों तीनों रोल जोन अब्राहम ने किए हुए फादर और दोस्त सन के तीनों एक सरी के फेस में देखने को मिलेंगे आपको दोनों भाई ट्वीन है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक है, होम मिनिस्टर है एक पी आपको दिखाया गया है इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीजों को दिखाया हुआ है जहां पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आजाद और अब इसमें ए सी पी बलराम आज़ाद कई किस तरह से फ़ीचर करते हैं जोन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्सन है एक्टिव दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएँ घट रही है तो अब आगे फिल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे ए सी पी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज चली आ रही है मर्डर्स की तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस टीम में अपॉइंट किए गए वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है एक दूसरे के सामने किस तरह से आते और इसके अंत में क्या होने वाला है फिल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ठीक ठाक है डिसेंट है जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज नजर आएगा राइटिंग में उतना दम नहीं था डायलॉग्स ठीक ठाक लिखे हुए थे उतने कुछ बढ़िया नहीं थे पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है ये फिल्म एक हिट फिल्म थी 2018 की सत्य में वजह थे उसका सिक्वल है लेकिन वो फिल्म भी ओके ओके थी लेकिन इससे बेटर थी वो फिल्म तो वर्क कर गई थी लेकिन इस फिल्म का वर्क ना करना यही फिल्म के डायरेक्टर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी जो अलग अलग सिनारियों है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि सवा दो घंटे का रन टाइम था फिल्म का तो वो डिसेंट था जहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी चीज़ तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था लेकिन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स डायरेक्शन वहीं पर कोई अतापता नहीं था कुछ जगह पर लॉजिक की काफ़ी ज़्यादा कमी नजर आ रही थी इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं

वो सभी चीज़ें इस फिल्म में नहीं नज़र आ रही अदरवाइज बाकी तो फिल्म ओके ओके नज़र आ रही है बाकी कैमरा वर्क अच्छा था आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया था म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था सॉन्ग डिसेंट थे जहाँ पे टोटल आपको पाँच छः सॉन्ग सुनने को मिलेंगे और इस फिल्म के हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी इस वजह से फिल्म के हर एक फ्रेम आपको रिच नजर आएगी इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल पाँच गाने मेन सुनने को मिलेंगे एक रिप्राइज वर्जन है पहला गाना है मेरी जिंदगी है तू दूसरा गाना है तेनू लेंगा तीसरा गाना है कुसु कुसु चौथा गाना है जन मन मना पाँचवा गाना है माँ सेरा वाली छठा गाना है जन मन रिप्राइज वर्जन तो ये टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज किया हुआ है इसके अलावा लिरिक्स भी आपको ज्यादातर इस फिल्म में अलग अलग देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रैक को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और प्रॉपर साउंड ट्रैक को तेईस नवंबर दो को टी सीरीज के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था तो ये फिल्म के गाने सभी आपको अभी टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पर फिल्म में एक गाना लहंगा वाला है जस मानक का उसको रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा नुसरत फतेह अली खान का जो गाना था उसको से

लोकेशन थी वो थी मुंबई तो मुंबई में पूरी तरह से पेच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पे करवा दिया गया था उसके बाद फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था जहाँ पे डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई थी वैसे तो ये फिल्म काफ़ी पहले आने वाली थी लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे कुछ जगह थिएटर बंद थे तो कुछ जगह पे 50% परसेंट थी इसके अलावा ऑडियंस भी उतनी रिलीज नहीं करेंगे तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में देखने को मिलेगी उसके बाद फिल्म को 25 नवंबर 2021 को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पे फिल्म का बजट करीबन पंचानवे करोड़ था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे फिल्म को दो घंटे और अठारह मिनट का रन टाइम दिया गया था और इस एक्शन ड्रामा फिल्म के जोनर को आई पे पांच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन पंद्रह वोट किए गए थे तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी इसके अलावा इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी पहले दिन पर कुछ दो तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से धीरे धीरे फिल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी क्रिटिक्स की तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली हुई थी इस फिल्म के परफॉर्मेंस के ऊपर इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर इस फिल्म की कहानी स्क्रीन प्ले के ऊपर तो इन सभी चीजों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पसंद नहीं आई थी फिल्म तो जिस वजह से यह फिल्म उतना कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था पंचानवे करोड़ का बजट यानी काफी हाई बजट होता है तो उसके सामने फिल्म ने पहले दिन पर तीन करोड़ बाईस लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था इसके अलावा दूसरे दिन पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और एक करोड़ बनबानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद तीसरे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ बारह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ पचास लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो नौ करोड़ छिहत्तर लाख का आ, मार्क किया हुआ था तो जो काफी ज़्यादा कम था बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने टोटल ग्रोस कलेक्शन 15 करोड़ उन्सी लाख का किया हुआ था इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था और ओवरसीज में डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के सत्रह करोड़ उनतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड किया हुआ था सोलह दिसंबर दो तक तो इस तरह से करीबन एक महीने के रन टाइम में फिल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जहां पे फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन भी बीस करोड़ से नीचे का रहा था तो पंचानवे करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ बीस करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है ना कि शेयर कलेक्शन तो ये फिल्म ने काफी ज्यादा लॉस सहा हुआ है हालांकि फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचकर इसके अलावा फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था लेकिन थिएटर के ऊपर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के प्रति उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली फेलर साबित हुई थी और पिछले कुछ समय में जॉन अब्राम की लगातार काफ़ी सारी फिल्में फेल होती हुई आ रही है जहाँ पे जॉन अब्राम की फ़िलहाल में रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि अटेक वो भी एक फ्लॉप फिल्म की तरफ बढ़ रही है उस फिल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ ख़ास नहीं आ रहे तीन दिनों में सिर्फ बारह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन क्या हुआ है उस फिल्म का बजट भी पचपन करोड़ के आसपास का था तो काफ़ी हाई बजट के सामने ये फिल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रॉस कलेक्शन के सामने उसके पहले ये सत्य में हो जाए थे मुंबई सागा पागलपंती सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी तो अब देखने वाली बात हो गई कि जोन अब्रम अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से कहते उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह से हेट करते उन सभी चीज़ों के ऊपर बात उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है पंचानवे करोड़ के बजट के सामने बीस करोड़ का भी ग्रोथ कलेक्शन नहीं हुआ है अब हम बात कर ले कि इस फिल्म को आप कहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो तो इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली टेलीविज़न पे सोनी मैक्स के चैनल वो सत्यमेव जयते टू के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा अभी तक फिलहाल में कोई दूसरे चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा सोनी की दूसरे चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है अदरवाइज सैटेलाइट चैनल पर आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्यमेव जयते 2 टू के नाम से ये फिल्म देखने को मिलेगी अब हम बात करें ओ के बाद की तो ओ के राइट्स खरीदे हुए अमेजोन प्राइम वीडियो ने जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी राइट्स में बेचा अच्छे खासी प्राइस में बेचा गया था तो अब आपको ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी तो इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है तो आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास वो, वो सब्सक्रिप्शन है तो आप ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे इसके अलावा इस फिल्म को यूट्यूब पे कभी भी ऑफिशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो ये दो प्लेटफॉर्म है एक तो अमेजोन प्राइम वीडियो जहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ ये फिल्म आप देख सकते हो सत्यमय जयते टू के नाम से दूसरा है सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अलावा आपको फिल्म फिलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल करवा दे जिस तरह से भूलभ या और उस टाइप की कई फिल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है ठीक उसी तरह से लेकिन फिलहाल में ये फिल्म आपको ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी सत्य में व जयते टू जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीजें मिलाप जवेरी ने की हुई है स्टोरी आइडिया भी उनका था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्णा कुमार मोनिशा अडवानी मधु भोजवानी और निखिल अडवानी टोटल पांच प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पंचानवे करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म को पंचानवे करोड़ का बजट लगाया हुआ है अब हम बात कर लेते फिल्म स्टार कास्ट के ऊपर जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या घोसला कुमार इनके अलावा हर्ष छाया अनूप सोनी गौतमी कपूर साहिल वैद्य जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ऋतुराज सिंह राजेंद्र गुप्ता भाग्यश्री लिमाए साध राधवा दयाशंकर पांडे सलीम शाह जहास मानक और नोहर नोराफी का एक स्पेशल अपीनस देखने को मिलेगा इसके अलावा शुभ शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई माहिर जवेरी ने जिन्होंने फिल्म को करीबन दो घंटे और अट्ठारह मिनट यानी कि एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आरको रोचक कोहली तनिस बागची पायल देव और जयस मानक इन सभी सिंगर्स ने इन सभी कम्पोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है जहाँ पे टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का वो भी सुनने को मिलेगा तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज ने तो टी सीरीज लेबल के नीचे सभी गाने सुनने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊंगा अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते है टू फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर कौन सा एकटा कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ जोहन अब्राहम जिस तरह से मैंने कहा तीन रोल प्ले करे एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद तीसरा है ए जय बलराम आज़ाद आई दिव्या घोसला कुमार आपको एमएलए विद्या मौर्य आज़ाद के रोल में दिखाई देंगी जो सत्या की वाइफ है हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है जो विद्या के फादर है अनुप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है साहिल वेद्या ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे झाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री लिमाय को डॉक्टर का रोल दिया गया था साध रंधावा ने सरदाना का सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तेनू लेंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया

तो ये दोनों तीनों रोल जो है ब्राह्मण के हुए फादर और दो सन के तीनों एक सरके फेस में देखने को मिलेंगे आपको दोनों भाई ट्वीन है इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक ए सी पी है होम मिनिस्टर है दूसरा एक AC, दूसरा एक आई पी एस और ए सी पी आपको दिखाया गया है इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीजों को दिखाया हुआ है जहाँ पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते है होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आजाद और अब इसमें ए सी पी बलराम आज़ाद कई किस तरह से फ़ीचर करते हैं जॉन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्शन है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएँ घट रही है तो अब आगे फिल्म किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे ए सी पी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज चली आ रही है मर्डर्स की तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस सिटी में अपॉइंट किए गए वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है एक दूसरे के सामने किस तरह से आते और इसके अंत में क्या होने वाला है फिल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ठीक ठाक है डिसेंट है जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज नजर आएगा राइटिंग में उतना दम नहीं था डायलॉग्स ठीक ठाक लिखे हुए थे उतने कुछ बढ़िया नहीं थे पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है ये फिल्म एक हिट फिल्म थी 2018 की सत्य में वे जय थे उसका सिक्वल है लेकिन वो फिल्म भी ओके ओके थी लेकिन इससे बेटर थी वो फिल्म तो वर्क कर गई थी लेकिन इस फिल्म का वर्क ना करना यही फिल्म के डायरेक्टर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी जो अलग अलग सीनारियों है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि सवा दो घंटे का रन टाइम था फिल्म का तो वो डिसेंट था जहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी चीज़ तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था लेकिन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स डायरेक्शन वहीं पर कोई अता पता नहीं था कुछ जगह पर लॉजिक की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही थी इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं कर

वो सभी चीज़ें इस फिल्म में नहीं नज़र आ रही अदरवाइज बाकी तो फिल्म ओके ओके नज़र आ रही है बाकी कैमरा वर्क अच्छा था आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया होता म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था सॉन्ग डिसेंट थे जहाँ पर टोटल आपको पाँच छः सॉन्ग सुनने को मिलेंगे और इस फिल्म के हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी इस वजह से फिल्म के हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल पाँच गाने मेन सुनने को मिलेंगे एक रिप्राइज वर्जन है पहला गाना है मेरी जिंदगी है तू दूसरा गाना है तेनू लेंगा तीसरा गाना है कुसुकुसु चौथा गाना है जन घन मना पाँचवा गाना है माँ सेरा वाली छठा गाना है जन घन मन रिप्राइज वर्जन तो ये टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज़ किया हुआ है इसके अलावा लिरिश भी आपको ज़्यादातर इस फिल्म में अलग अलग देखने को मिलने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रैक को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और प्रॉपर साउंड ट्रैक को तेईस नवंबर दो को टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था तो ये फ़िल्म के गाने सभी आपको अभी टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पर फिल्म में एक गाना लहंगा वाला है जसमानक का उसको रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा नुसरत फ़तेह अली खान का जो गाना था उसको सेम नाम के साथ मेरी जिंदगी के नाम से रिक्रिएट किया गया था तो इस तरह से दो तीन गाने प्रोडक्शन की तो लखनऊ में स्टार्ट 20 की गई थी इसके अलावा फिल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था फुल फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी जहां पे फिल्म की लास्ट शूटिंग जो लोकेशन थी वो थी मुंबई तो मुंबई में पूरी तरह से पेचवर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पे करवा दिया गया था उसके बाद फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था जहाँ पे डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई थी वैसे तो ये फिल्म काफ़ी पहले आने वाली थी लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे कुछ जगह थिएटर बंद थे तो कुछ जगह पे 50 परसेंट ऑक्युपेंसी थी इसके अलावा ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फिल्म देखे, क्योंकि कोविड 19 का माहौल ही कुछ ऐसा था उस वजह से अप्रैल 2021 में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये फिल्म हम अभी रिलीज नहीं करेंगे तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में देखने को मिलेगी उसके बाद फिल्म को पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पर फिल्म का बजट करीबन पंचानवे करोड़ था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पर फिल्म को दो घंटे और की रेटिंग हासिल हुई थी, दस में से में करीबन 15 वोट बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी पहले दिन पर कुछ दो तीन करोड़ का कलेक्शन किया होता इस तरह से धीरे धीरे फिल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी क्रिटिक्स की तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली हुई थी इस फिल्म के परफॉर्मेंस के ऊपर इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर इस फिल्म की की कहानी प्ले के ऊपर तो इन सभी चीजों वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पस पसंद नहीं आई थी फिल्म तो जिस वजह से यह फिल्म उतना कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था पंचानवे करोड़ का बजट यानी काफी हाई बजट होता है तो उसके सामने फिल्म ने पहले दिन पर तीन करोड़ बाईस लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था इसके अलावा दूसरे दिन पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और एक करोड़ बनबानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद तीसरे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ बारह लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ पचास लाख का ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो नौ करोड़ छिहत्तर लाख का आ, मार्क किया हुआ था तो जो काफी ज्यादा कम था बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने टोटल ग्रोस कलेक्शन 15 करोड़ उन्सी लाख का किया हुआ था इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था और ओवरसीज में डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के सत्रह करोड़ 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन वाइड किया हुआ था सोलह दिसंबर दो तक तो इस तरह से करीबन एक महीने के रन टाइम में फिल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जहां पे फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था तो पंचानवे करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है ना कि शेयर कलेक्शन तो ये फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा लॉस सहा हुआ है हालांकि फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचकर इसके अलावा फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था लेकिन थिएटर के ऊपर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के प्रति उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली फेलर साबित हुई थी और पिछले कुछ समय में जॉन अब्राहम की लगातार काफ़ी सारी फिल्में फेल होती हुई आ रही है जहां पे जॉन ओब्राम की फ़िलहाल में रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि अटेक वो भी एक फ्लॉप फिल्म की तरफ बढ़ रही है उस फिल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ ख़ास नहीं आ रहे तीन दिनों में सिर्फ बारह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन क्या हुआ है उस फिल्म का बजट भी पचपन करोड़ के आसपास का था तो काफ़ी हाई बजट के सामने ये फिल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रोस कलेक्शन के सामने उसके पहले ये सत्य में अजय थे मुंबई सागा पागलपंती सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी तो अब देखने वाली बात हो गई कि जोन अब्रम अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से कहते उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह सेट करते वो इस उन सभी चीज़ों के ऊपर बात उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है पंचानवे करोड़ के बजट के सामने बीस करोड़ का भी ग्रोस कलेक्शन नहीं हुआ है अब हम बात कर ले कि इस फिल्म को आप कहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो तो इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स ख़रीदे हुए सोनी मैक्स ने सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स ख़रीदे हुए तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली टेलीविज़न पे सोनी मैक्स के चैनल वो सत्यमेव जयते टू के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा अभी तक फिलहाल में कोई दूसरी चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा सोनी की दूसरी चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है अदरवाइज सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्य में 2 टू के नाम से ये फिल्म देखने को मिलेगी अब हम बात करें ओ के बात की तो ओ के राइट्स खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को अच्छी खासी राइट्स में बेचा अच्छे खासी प्राइस में बेचा गया था तो अब आपको ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी तो इस फिल्म को अगर आपको ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है तो आपके पास अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है तो आप ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे इसके अलावा इस फिल्म को यूट्यूब पे कभी भी ऑफिशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो ये दो प्लेटफॉर्म है एक तो अमेजोन प्राइम वीडियो जहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ ये फिल्म आप देख सकते हो सत्यमेव जयते टू के नाम से दूसरा है सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अलावा आपको फिल्म फिलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल करवा दे जिस तरह से भूलभुला या और उस टाइप की कई फिल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है ठीक उसी तरह से लेकिन फिलहाल में ये फिल्म आपको ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी सत्य में व जयते टू जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीजें मिलाप जवेरी ने की हुई है स्टोरी आइडिया भी उनका था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार मोनिशा अडवानी, मधु भोजवानी और निखिल अडवानी टोटल पांच प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने टी सीरीज फिल्म और एम एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पंचानवे करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म को पंचानवे करोड़ का बजट लगाया हुआ है अब हम बात कर लेते फिल्म स्टार कास्ट के ऊपर जॉन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या घोसला कुमार इनके अलावा हर्ष छाया अनुप सोनी गौतमी कपूर साहिल वेद्य जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ऋतुराज सिंह राजेंद्र गुप्ता भाग्यश्री लिमाए साध राधवा दयाशंकर पांडे सलीम शाह जहास मानक और नोह नोरा फतेह का एक स्पेशल अपीन देखने को मिलेगा इसके अलावा शुभ शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे ये सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई है माहिर जवेरी ने जिन्होंने फिल्म को करीबन दो घंटे और अट्ठारह मिनट यानी कि एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आरको रोचक कोहली तनिष बागची पायल देव और जयस मानक इन सभी सिंगर्स ने इन सभी कम्पोजर ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है जहाँ पे टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का वो भी सुनने को मिलेगा तो इसके राइट्स ख़रीदे हुए टी सीरीज ने तो टी सीरीज लेबल के नीचे सभी गाने सुनने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊँगा अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते टू फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर कौन सा एकटा कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ जोहन अबुराम जिस तरह से मैंने कहा तीन रोल प्ले करे एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद तीसरा है ए जय बलराम आज़ाद आई दिव्या घोसला कुमार आपको एम विद्या मौर्य आज़ाद के रोल में दिखाई देंगी जो सत्या की वाइफ है हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है जो विद्या के फादर है अनुप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है साहिल वेद्या ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे झाकिर हुसन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का, का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री लिमाय को डॉक्टर का रोल दिया गया था साध रंधावा ने सरदाना का सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तेनू लेंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ है

तो ये दोनों तीनों रोल जो नाम ने किए हुए फादर और दोस्त सन के तीनों एक सरी के फेस में देखने को मिलेंगे आपको दोनों भाई ट्वीन है इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक ए सी पी है होम मिनिस्टर है दूसरा एक AC, दूसरा एक आई पी एस और ए सी पी आपको दिखाया गया है इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीजों को दिखाया हुआ है जहां पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते है होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आजाद और अब इसमें ए सी पी बलराम आज़ाद कई किस तरह से फ़ीचर करते हैं जॉन अब्राहम का जो फ्लैशबैक पोर्शन है एक्टिव दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएँ घट रही है तो अब आगे फिल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे ए सी पी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज चली आ रही है मर्डर्स की तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस टीम अपॉइंट किए गए वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है एक दूसरे के सामने किस तरह से आते और इसके अंत में क्या होने वाले फिल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ठीक ठाक है डिसेंट है जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज नजर आएगा राइटिंग में उतना दम नहीं था डायलॉग्स ठीक ठाक लिखे हुए थे उतने कुछ बढ़िया नहीं थे पेट्रोटिज्म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है ये फिल्म एक हिट फिल्म थी 2018 की सत्य में वह जय थे उसका सिकवल है लेकिन वो फिल्म भी ओके ओके थी लेकिन इससे बेटर थी वो फिल्म तो वर्क कर गई थी लेकिन इस फिल्म का वर्क ना करना यही फिल्म के डायरेक्टर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी जो अलग अलग सीनारियों है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एडिटिंग भी काफ़ी बढ़िया थी एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि सवा दो घंटे का रन टाइम था फिल्म का तो वो डिसेंट था जहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने से किया हुआ था लेकिन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स डायरेक्शन वहीं पर कोई अतापता नहीं था कुछ जगह पर लॉजिक की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही थी इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं

वो सभी चीज़ें इस फिल्म में नहीं नज़र आ रही अदरवाइज बाकी तो फिल्म ओके ओके नज़र आ रही है बाकी कैमरा वर्क अच्छा था आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया था म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था सॉन्ग डिसेंट थे जहाँ पे टोटल आपको पाँच छः सॉन्ग सुनने को मिलेंगे और इस फिल्म के हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी इस वजह से फिल्म के हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल पाँच गाने मेन सुनने को मिलेंगे एक रिप्राइज वर्जन है पहला गाना है मेरी जिंदगी है तू दूसरा गाना है तेनू लेंगा तीसरा गाना है कुसुकुसु चौथा गाना है जन मन पाँचवा गाना है माँ सेरा वाली छठा गाना है जन मन रिप्राइज वर्जन तो ये टोटल छः गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर और अलग अलग सिंगर ने मिलकर इन सभी गानों को गाया और कंपोज किया हुआ है इसके अलावा रिलिशेज भी आपको ज्यादातर इस फिल्म में अलग अलग देखने को मिलने वाले इसके अलावा इस फिल्म के साउंड ट्रैक को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और प्रॉपर साउंड ट्रैक को तेईस नवंबर दो को टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाया हुआ था तो ये फिल्म के गाने सभी आपको अभी टी सीरीज़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे जहाँ पर फिल्म में एक गाना लहंगा वाला है जसमानक का उसको रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा नुसरत फतेह अली खान का जो गाना था उसको से

लोकेशन uh, थी वो थी मुंबई तो मुंबई में पूरी तरह से पेच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पे करवा दिया गया था उसके बाद फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था जहाँ पे डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई थी वैसे तो ये फिल्म काफ़ी पहले आने वाली थी लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे कुछ जगह थिएटर बंद थे तो कुछ जगह पर फिफ्टी परसेंट ऑक्युपेंसी थी ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फिल्म जाकर क्योंकि कोविड 19 का माहौल ही कुछ ऐसा था उस वजह से अप्रैल 2021 में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये फिल्म हम अभी रिलीज नहीं करेंगे तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में देखने को मिलेगी उसके बाद फिल्म को पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पर फिल्म का बजट करीबन पंचानवे करोड़ था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पे फिल्म को दो घंटे और अठारह मिनट का रन टाइम दिया गया था और इस एक्शन ड्रामा फिल्म के जोनर को आई पे डीबी की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन पंद्रह वोट किए गए थे तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी इसके अलावा इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी पहले दिन पर कुछ दो तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से धीरे धीरे फिल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी क्रिटिक्स की तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली हुई थी इस फिल्म के परफॉर्मेंस के ऊपर इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर इस फिल्म की कहानी स्क्रीन प्ले के ऊपर तो इन सभी चीजों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पस पसंद नहीं आई थी फिल्म तो जिस वजह से यह फिल्म उतना कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था पंचानवे करोड़ का बजट यानी काफी हाई बजट होता है तो उसके सामने फिल्म ने पहले दिन पर तीन करोड़ बाईस लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था इसके अलावा दूसरे दिन पर फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप लिया और एक करोड़ बानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद तीसरे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ बारह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो नौ करोड़ छिहत्तर लाख का आ, मार्क किया हुआ था तो जो काफी ज्यादा कम था बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म ने टोटल ग्रोस कलेक्शन 15 करोड़ उन्सी लाख का किया हुआ था इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था और ओवरसीज में डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के सत्रह करोड़ उनतीस लाख का ग्रोस कलेक्शन वाइड किया हुआ था सोलह दिसंबर दो तक तो इस तरह से करीबन महीने के रन टाइम में फिल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जहां पे फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था तो पंचानवे करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है शेयर कलेक्शन तो ये फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा लॉस सहा हुआ है हालांकि फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचकर, इसके अलावा फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था लेकिन थिएटर के ऊपर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के प्रति उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली फेलर साबित हुई थी और पिछले कुछ समय में जॉन अब्राहम की लगातार काफ़ी सारी फिल्में फेल होती हुई आ रही है जहाँ पे जॉन अब्राहम की फ़िलहाल में रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि अटेक वो भी एक फ्लॉप फिल्म की तरफ बढ़ रही है उस फिल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ खास नहीं आ रहे हैं तीन दिनों में सिर्फ बारह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन क्या हुआ है उस फिल्म का बजट भी पचपन करोड़ के आसपास का था तो काफ़ी हाई बजट के सामने ये फिल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रोस कलेक्शन के सामने उसके पहले ये ये सत्य में हो जाए थे मुंबई सागा पागलपंती सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी तो अब देखने वाली बात हो गई कि जोन अब्रह अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से कहते उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह सेट करते वो इस, उन सभी चीज़ों के ऊपर बात उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है पंचानवे करोड़ के बजट के सामने बीस करोड़ का भी ग्रोथ कलेक्शन नहीं हुआ है अब हम बात कर ले कि इस फिल्म को आप कहाँ पर ऑफिशियली देख सकते हो तो इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली टेलीविज़न पे सोनी मैक्स के चैनल वो सत्यमेव जयते टू के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा अभी तक फिलहाल में कोई दूसरे चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा सोनी की दूसरे चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है अदरवाइज सैटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्य में टू के नाम से ये फिल्म देखने को मिलेगी अब हम बात करें ओटीटी के बात की तो ओ के राइट्स खरीदे हुए अमेजॉन प्राइम वीडियो ने जिन्होंने अच्छे खासी प्राइस में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला तो अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है इस फिल्म को अमेजॉन प्राइम वीडियो को अच्छी खासी खासी प्राइस में बेचा गया था तो अब आपको यह फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी तो इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है तो आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है तो आप ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे इसके अलावा इस फिल्म को यूट्यूब पर कभी भी ऑफिशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो ये दो प्लेटफॉर्म है एक तो अमेजॉन प्राइम वीडियो जहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ ये फिल्म आप देख सकते हो सत्यमेव जयते टू के नाम से दूसरा है सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अलावा आपको फिल्म फिलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल करवा दे जिस तरह से भूलभ या और उस टाइप की कई फिल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है ठीक उसी तरह से लेकिन फिलहाल में ये फिल्म आपको ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी सत्य में व जय टू जो 2021 की इंडियन हिंदी लैंग्वेज विजिलेंटी एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका स्टोरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डायरेक्शन सभी चीज़ें मिलाप जवेरी ने की हुई है स्टोरी आइडिया भी उनका था डायलॉग्स भी उन्होंने ही लिखे हुए हैं साथ ही में स्क्रीन प्ले भी उनका ही देखने को मिलेगा प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार मोनिशा अडवाणी मधु भोजवानी और निखिल अडवानी टोटल पाँच प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने टी सीरीज फिल्म्स और एम ए एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे इस फिल्म को करीबन पंचानवे करोड़ के साथ प्रोड्यूस किया हुआ है फिल्म को पंचानवे करोड़ का बजट लगाया हुआ है अब हम बात कर लेते फिल्म की कास्ट के ऊपर जोन अब्राहम आपको इस फिल्म में ट्रिपल रोल में देखने को मिलेंगे उनके अपोजिट कास्ट की गई है दिव्या घोसला कुमार इनके अलावा हर्ष छाया अनूप सोनी गौतमी कपूर साहिल वैद्य जाकिर हुसैन आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे ऋतुराज सिंह राजेंद्र गुप्ता भाग्यश्री लिमाए साध राधवा दयाशंकर पांडे सलीम शाह जहास मानक और नोहर नोराफी का एक स्पेशल अपीनस देखने को मिलेगा इसके अलावा शुभ शुभ सक्सेना और श्रेष्ठ सक्सेना आपको देखने को मिलेंगे सभी लोग आपको अदर सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर सिनेमेटोग्राफी आपको डुडली की देखने को मिलेगी एडिटिंग की हुई माहिर जवेरी ने जिन्होंने फिल्म को करीबन दो घंटे और अट्ठारह मिनट यानी कि एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है म्यूजिक दिया हुआ है जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर क्रिएट किया हुआ है संजय चौधरी ने इसके अलावा सॉन्ग्स की बात करें तो आरको रोचक कोहली तनिष बागची पायल देव और जयस मानक इन सभी सिंगर्स ने इन सभी कंपोज़र ने मिलकर इस फिल्म का गाना कंपोज किया हुआ है जहाँ पे टोटल पांच गाने आपको सुनने को मिलेंगे इसके अलावा एक रिप्राइज वर्जन है सॉन्ग का वो भी सुनने को मिलेगा तो इसके राइट्स खरीदे हुए टी सीरीज़ ने तो टी सीरीज लेबल के नीचे सभी गाने सुनने को मिलने वाले म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर मैं आपको आगे थोड़ी चर्चा करके बताऊँगा अब हम बात कर लेते हैं सत्यमेव जयते टू फिल्म की कहानी के ऊपर तो इस फिल्म की कहानी से पहले मैं आपको सभी कैरेक्टर कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर डिटेलिंग दे देता हूँ जोहन अब्राम जिस तरह मैंने कहा तीन रोल प्ले करे एक तो है एक्टिविस्ट दादा साहेब बलराम आज़ाद दूसरा है होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद तीसरा है ए जय बलराम आज़ाद आई दिव्या घोसला कुमार आपको एम विद्या मौर्य आज़ाद के रोल में दिखाई देंगी जो सत्या की वाइफ है हर्ष छाया ने चीफ मिनिस्टर चंद्र प्रकाश मौर्य का रोल प्ले किया हुआ है जो विद्या के फादर है अनुप सोनी आपको डीसीपी सुबोध उपाध्याय आईपीएस के रोल में दिखाई देंगे गौतमी कपूर ने सुहासिनी देवी आजाद का रोल प्ले किया हुआ है साहिल वेद्य ने ज्ञानेश्वर चौरसिया का रोल प्ले किया हुआ है वहीं पे झाकिर हुसैन ने शंकर प्रसाद यादव का रोल प्ले किया हुआ है ऋतुराज सिंह आपको मदन लाल जोशी के रोल में दिखाई देंगे राजेंद्र गुप्ता ने दया काका का रोल प्ले किया हुआ है भाग्यश्री लिमा को डॉक्टर का रोल दिया गया था साध रंधावा ने सरदाना का सरदारा का रोल प्ले किया हुआ था दयाशंकर पांडे ने पराग त्रिपाठी वाला किरदार प्ले किया हुआ था सलीम शाह को यशवंत पासवान का रोल दिया गया था वहीं पे जास मानक आपको एक गाने में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे तेनू लेंगा वाला एक फंक्शनल सॉन्ग सेट किया हुआ

तो ये दोनों तीनों रोल जो है ना ब्राह्मणे हुए फादर और दोस्त सन के तीनों एक सरीके फेस में देखने को मिलेंगे आपको दोनों भाई ट्वीन है इसके अलावा जिस तरह से मैंने कहा कि एक ए है होम मिनिस्टर है दूसरा एक दूसरा एक आई और ए सी आपको दिखाया गया है इसमें एक बिल पास करवाने के लिए सभी चीजों को दिखाया हुआ है जहाँ पे एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते है होम मिनिस्टर यानी कि सत्यम बलराम आजाद और अब इसमें ए सी पी जय बलराम आज़ाद कई किस तरह से फीचर करते हैं जोन का जो फ्लैशबैक पोर्सन है एक्टिव दादा साहेब बलराम आज़ाद के रोल में वहाँ से क्या ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से पास्ट की इन सभी चीज़ों की वजह से प्रेजेंट में ये सभी घटनाएं घट रही है तो अब आगे फिल्म में किस तरह से इन सभी चीज़ों के ऊपर काम लिया जाएगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है जहाँ पे ए सी पी जय बलराम आज़ाद कुछ एक सीरीज चली आ रही है मर्डर्स की तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उस सी में अपॉइंट किए गए वहीं पे होम मिनिस्टर सत्य बलराम आज़ाद एंटी करप्शन बिल पास करवाना चाहते तो ये दोनों के रास्ते काफ़ी अलग है एक दूसरे के सामने किस तरह से आते और इसके अंत में क्या होने वाले फिल्म के अंत में आपको क्या देखने को मिलेगा वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की गई है और इस फिल्म की कहानी की बात करें तो ठीक ठाक है डिसेंट है जहाँ पे डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा एवरेज नजर आएगा राइटिंग में उतना दम नहीं था डायलॉग्स ठीक ठाक लिखे हुए थे उतने कुछ बढ़िया नहीं थे पेट्रोटिज़म वाली फीलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती है ये फिल्म एक हिट फिल्म थी 2018 की सत्य में वजह थे उसका सिक्वल है लेकिन वो फिल्म भी ओके ओके थी लेकिन इससे बेटर थी वो फिल्म तो वर्क कर गई थी लेकिन इस फिल्म का वर्क ना करना यही फिल्म के डायरेक्टर राइटर के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने बहुत ही ज़्यादा एवरेज काम किया हुआ था बाकी तो सिनेमेटोग्राफी डुडली ने काफी बेहतरीन तरीके से दिखाई हुई थी जो अलग अलग सीनारियों है उसको अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था एडिटिंग भी काफी बढ़िया थी एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ था यानी कि सवा दो घंटे का रन टाइम था फिल्म का तो वो डिसेंट था जहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से उन्होंने सेट किया हुआ था लेकिन स्क्रीन प्ले डायलॉग्स डायरेक्शन वहीं पर कोई अतापता नहीं था कुछ जगह पर लॉजिक की काफ़ी ज्यादा कमी नजर आ रही थी इन सभी चीज़ों की कमियों की वजह से फिल्म का क्लाइमेक्स भी उतना बेहतरीन तरीके से हिट नहीं करता फिल्म में की फीलिंग भी नहीं आती और साथ ही में फिल्म जिस वो नहीं हो पाते इसके फिल्म का जो दी है, वो उतना कन्विंसिंग नजर नहीं आता मैं नहीं बोल रहा हूं कि ओवर दी टॉप एक्शन फिल्में कभी अच्छी नहीं होती लेकिन ओवर दी टॉप एक्शन फिल्में अच्छी होती है लेकिन वो कन्विंस कन्विंस कर पाना मुश्किल होता है तो वो सभी चीजें इस फिल्म में नहीं नजर आ रही अदरवाइज़ बाकी तो फिल्म ओके okay, ओके okay, नजर आ रही है बाकी कैमरा वर्क अच्छा था आर्ट डायरेक्टर ने बढ़िया काम किया होता म्यूजिक में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो बढ़िया था सॉन्ग डिसेंट थे जहाँ पे टोटल आपको पाँच छः सॉन्ग सुनने को मिलेंगे और इस फिल्म की हर एक प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी हाई थी इस वजह से फिल्म के हर एक फ्रेम आपको रिच नज़र आएगी इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो आपको इसमें टोटल पाँच गाने मेन सुनने को मिलेंगे एक रिप्राइज वर्जन है पहला गाना है मेरी जिंदगी है तू दूसरा गाना है तेनू लेंगा तीसरा गाना है कुछ

भी आपको अभी टी सीरीज के यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे फिल्म में एक गाना लहंगा वाला है जस मानक का उसको रिक्रिएट किया गया था इसके अलावा नुसरत फतेह अली खान का जो गाना था उसको सेम नाम के साथ मेरी जिंदगी रिक्रिएट किया गया था तो इस तरह से दो तीन गाने इसमें रीमेक भी आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो फिल्म की प्रिंसिल प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी सत्यमेव जयते टू के नाम से 20 अक्टूबर 2020 को लखनऊ में स्टार्ट की गई थी इसके अलावा फिल्म को मुंबई में और रायबरेली में शूट किया गया था फुल फिल्म की पूरी तरह से शूटिंग जनवरी 2021 के लास्ट वीक में कंप्लीट करवाई गई थी जहां पे फिल्म की लास्ट शूटिंग जो लोकेशन uh, थी वो थी मुंबई तो मुंबई में पूरी तरह से पेच वर्क का काम तक पूरी तरह से कंप्लीट वहाँ पे करवा दिया गया था उसके बाद फिल्म का जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम है वो स्टार्ट किया गया था जहाँ पे डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग बैकग्राउंड स्कोर के ऊपर काम सभी चीज़ों के साथ काम किया गया था और वो सभी चीज़ें कंप्लीट करवाने के बाद फिल्म की फाइनल रिलीज डेट अनाउंस की गई थी वैसे तो ये फिल्म काफ़ी पहले आने वाली थी लेकिन कोविड नाइन्टीन के चलते जो सभी चीज़ें पोस्टपोन्ड हो रही थी साथ ही में थिएटर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहे थे कुछ जगह थिएटर बंद थे तो कुछ जगह पर फिफ्टी परसेंट ऑक्युपेंसी थी ऑडियंस भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी थिएटर में जाके फिल्म जाकर क्योंकि कोविड 19 का माहौल ही कुछ ऐसा था उस वजह से अप्रैल 2021 में मेकर्स ने फैसला लिया हुआ था कि ये फिल्म हम अभी रिलीज नहीं करेंगे तब उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि ये फिल्म आपको डायरेक्ट पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में देखने को मिलेगी उसके बाद फिल्म को पच्चीस नवंबर दो को थिएटर में रिलीज किया गया जहां पे फिल्म का बजट करीबन पंचानवे करोड़ था और इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया था जहां पर फिल्म को दो घंटे और मिनट का रन टाइम दिया गया था और इस एक्शन ड्रामा फिल्म के जोनर को IMDb पे की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से जिसमें करीबन वोट किए गए थे तो एक एवरेज रेटिंग मिली हुई थी इसके अलावा इस फिल्म को बढ़िया ओपनिंग नहीं मिली हुई थी पहले दिन पर कुछ दो तीन करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था इस तरह से धीरे धीरे फिल्म उतना कुछ पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ हासिल करने में कामयाब नहीं रही थी क्रिटिक्स की तरफ से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिली हुई थी इस फिल्म के परफॉर्मेंस सिनेप्सिस के ऊपर इस फिल्म के डायलॉग्स के ऊपर इस फिल्म की कहानी स्क्रीन प्ले के ऊपर तो इन सभी चीज़ों की वजह से साथ ही में ऑडियंस को भी उतनी पस पसंद नहीं आई थी फिल्म तो जिस वजह से ये फिल्म उतना कुछ खास बिजनेस नहीं कर पाई जितना एक्सपेक्ट किया हुआ था पंचानवे करोड़ का बजट यानी काफ़ी हाई बजट होता है तो उसके सामने फिल्म ने पहले दिन पर तीन करोड़ बाईस लाख का क्रॉस कलेक्शन किया हुआ था तो ये काफ़ी ज़्यादा कम था इसके अलावा दूसरे दिन पर फिल्म ने काफी ज़्यादा ड्रॉप लिया और एक करोड़ बनबानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया उसके बाद तीसरे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ बारह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था और चौथे दिन पर फिल्म ने दो करोड़ पचास लाख का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से फिल्म ने जो ओपनिंग वीकेंड का कलेक्शन है वो नौ करोड़ छिहत्तर लाख का आ, मार्क किया हुआ था तो जो काफी ज्यादा कम था बाद में 16 दिसंबर 2021 तक फिल्म में टोटल ग्रोस कलेक्शन 15 करोड़ उन्सी लाख का किया हुआ था इसमें ये इंडिया का कलेक्शन था ओवरसीज में डेढ़ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया हुआ था तो इस तरह से इंडिया और ओवरसीज का मिला के सत्रह करोड़ 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन वाइड किया हुआ था सोलह दिसंबर दो तक तो इस तरह से करीबन एक महीने के रन टाइम में फिल्म ने 17 करोड़ और 29 लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था जहां पे फिल्म का लाइफ टाइम ग्रोस कलेक्शन भी 20 करोड़ से नीचे का रहा था तो पंचानवे करोड़ में बजट में बनी फिल्म ने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया है ना कि शेयर कलेक्शन तो ये फिल्म ने काफ़ी ज़्यादा लॉस सहा हुआ है हालांकि फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचकर इसके अलावा फिल्म के ओटीटी और सैटेलाइट राइट्स बेचकर थोड़ा डिसेंट अमाउंट क्रिएट कर लिया था लेकिन थिएटर के ऊपर ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी इस फिल्म के प्रति उतना बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला हुआ था जिसके चलते ये फिल्म कमर्शियली फेलर साबित हुई थी और पिछले कुछ समय में जॉन अब्राह्म की लगातार काफ़ी सारी फिल्में फेल होती हुई आ रही है जहां पे जॉन ओब्राम की फ़िलहाल में रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि अटैक वो भी एक फ्लॉप फिल्म की तरफ बढ़ रही है उस फिल्म के भी कलेक्शन उतने कुछ ख़ास नहीं आ रहे तीन दिनों में सिर्फ बारह करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन क्या हुआ है उस फिल्म का बजट भी पचपन करोड़ के आसपास का था तो काफ़ी हाई बजट के सामने ये फिल्म का बजट काफ़ी हाई नज़र आ रहा है इस ग्रोस कलेक्शन के सामने उसके पहले ये सत्य में अजयते मुंबई सागा पागलपंथी सभी फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी तो अब देखने वाली बात हो गई कि जो नबर हम अपनी स्क्रिप्ट सिलेक्शन किस तरह से कहते उनके बजट किस तरह से वो हैंडल कर पाते प्रोड्यूसर उनके सामने बजट किस तरह से हेट करते उन सभी चीज़ों के ऊपर बात उन सभी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिल्में उतनी बेहतरीन वे में वर्क नहीं कर रही है जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म के साथ ठीक वैसा हुआ है पंचानवे करोड़ के बजट के सामने बीस करोड़ का भी ग्रोथ कलेक्शन नहीं हुआ है अब हम बात कर ले कि इस फिल्म को आप कहाँ पे ऑफिशियली देख सकते हो तो इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स खरीदे हुए सोनी मैक्स ने सोनी एंटरटेनमेंट वालों ने इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स ख़रीदे हुए तो ये फिल्म आपको ऑफिशियली टेलीविजन पे सोनी मैक्स के चैनल वो सत्यमेव जयते टू के नाम से देखने को मिलेगी इसके अलावा अभी तक फिलहाल में कोई दूसरे चैनल पे इस फिल्म को प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा सोनी की दूसरी चैनल पे प्रीमियर होती है तो वो बात अलग है अदरवाइज सेटेलाइट चैनल पे आपको सोनी मैक्स के चैनल के ऊपर सत्य में 2 टू के नाम से ये फिल्म देखने को मिलेगी अब हम बात करें ओ के बात की तो ओ के राइट्स खरीदे हुए Amazon प्राइम वीडियो ने जिन्होंने अच्छे खासी प्राइज में फिल्म के राइट्स खरीदे हुए थे लेकिन बॉक्स ऑफिस फेलर के चलते जिस तरह से मिक्स रिस्पॉन्स मिला तो अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर भी उतनी व्यूअरशिप नहीं आई हुई है इस फिल्म को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को अच्छे खासी राइट्स में बेचा अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था तो अब आपको ये फिल्म अमेजोन प्राइम वीडियो के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही देखने को मिलेगी तो इस फिल्म को अगर आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल फ्री में देखना है तो आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अगर आपके पास वो सब्सक्रिप्शन है तो आप ये फिल्म बिल्कुल फ्री में विथ इंग्लिश सब टाइटल अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकोगे इसके अलावा इस फिल्म को यूट्यूब पे कभी भी ऑफिशियली प्रीमियर नहीं करवाया जाएगा तो ये दो प्लेटफॉर्म है एक तो अमेजोन प्राइम वीडियो जहाँ पे सब्सक्रिप्शन के साथ ये फिल्म आप देख सकते हो सत्यमये टू के नाम से दूसरा है सेटेलाइट चैनल सोनी मैक्स तो ये दो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के अलावा आपको फिल्म फिलहाल में कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी वो बात अलग है कि कुछ सालों के बाद शायद टी सीरीज अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल करवा दे जिस तरह से भूलभ या और उस टाइप की कई फिल्मों को अवेलेबल अभी करवाया है ठीक उसी तरह से लेकिन फिलहाल में ये फिल्म आपको ये दो प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी तो बस गाइज इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है ये फिल्म आपको कहां पे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी उसके ऊपर डिटेलिंग दे दी है फिल्म का एक डीप रिव्यू हो चुका है जहां पे टेक्निकल एस्पेक्ट म्यूजिक डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस स्टोरी के ऊपर एक डीप में एनालिसिस हो चुकी है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दे दी साथ ही में बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके आपको डिटेलिंग दी हुई तो बस गायस और भी ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू